आफ्टरनून एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हम कॉस्टिंग की क्रैश बैच के दूसरे दिन में हैं, जिसमें हम रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी, क्या हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में जाना था कि ये दो परिस्थितियों में हमारे काम में आता है, जब या तो एक ऐसा स्पेशल ऑर्डर हो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, यानी हमारी अदरवाइज दूसरी कॉस्ट तो रिकवर हो ही रही है, बाकी काम तो हमारा चल ही रहा है, बस एक ऑर्डर आया तो हमने कहा चलो ठीक है, इससे इसकी वजह से जितना लग रहा है उससे थोड़ा सा भी ये ज्यादा दे दे तो हमें तो चलेगा, राइट? ओके, तो दोस्तों पहला एप्लीकेबिलिटी तो क्या थी, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर, है ना। दूसरा था यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। अगर हम फ्री बैठे हमारे पास काम नहीं है तो फिर हम बोलते हैं कि यार एक काम करो, हमें कुछ काम तो दे दो, उससे हमारे खर्चे तो यूं भी लग ही रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, राइट? ओके, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड, जो कि आपको रेवेन्यू की भी इन्फॉर्मेशन देगा और कॉस्ट की भी इन्फॉर्मेशन देगा, और दूसरे आते हैं विच इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसमें आपको सिर्फ कॉस्ट की कॉस्ट देखना, और जो रिलेवेंट कॉस्ट आएगी वही हमारी मिनिमम सेलिंग प्राइस भी बन जाएगी, राइट? ओके, इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट कवर किए थे, एक तो रेलिवेंट मेटेरियल कॉस्ट और दूसरा रेलिवेंट लेबर कॉस्ट, राइट? ओके, रेलिवेंट मेटेरियल कॉस्ट को सारी चीजों को समराइज करते हुए क्या हमने एक चार्ट बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर ये मेटेरियल हमें टू बी परचेज कैटेगरी का हो, यानी अगर हमें ये खरीदना हो तो फिर क्या चीज रेलिवेंट हो जाएगी, करंट रिप्लेसमेंट प्राइस, परचेज प्राइस, राइट? ओके, लेकिन अगर हमारे पास वो ऑलरेडी इन स्टॉक हो तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये इन रेगुलर यूज है या फिर ये नॉट इन रेगुलर यूज है। अगर ये रेगुलर यूज में तो अगेन हमारे लिए करंट रिप्लेसमेंट प्राइस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से रेलिवेंट होगी, लेकिन अगर ये नॉट इन रेगुलर यूज है तो इसके जो रियलाइजेबल वैल्यू, रीसेल प्राइस होगी, वो हमारे लिए रेलिवेंट होगी। फिर उसके बाद हमने नीचे दो नोट्स और लिखे थे, अगर इस मटेरियल जिसको कि हमें सेल करना है उसको लेकर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स है, कि हम चाहे तो उसको सेल भी कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको कहीं और पर यूज भी कर सकते हैं, तो हम देखते हैं क्या सेल करके कितने आएंगे और यूज करके कितने का बेनिफिट मिलेगा, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस रिकवर करेंगे फ्रॉम द स्पेशल ऑर्डर, राइट? फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर मटेरियल की फैक्टर हो तो हम दो चीजें रिकवर करेंगे, एक तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस रिकवर करेंगे क्योंकि वो हम अदरवाइज घर ले जा रहे थे, दूसरा हम मेटेरियल की कॉस्ट भी रिकवर करेंगे क्योंकि वो अदरवाइज रिकवर हो रही थी, उसके बाद हम प्रॉफिट घर ले जा रहे थे, तो अब अगर हम मेटेरियल किसी और को दे देंगे तो वो लोग ओरिजिनल वाले थोड़ी ना हमको देंगे मेटेरियल के पैसे, हमको किससे लेने पड़ेंगे, स्पेशल कस्टमर से लेने पड़ेंगे, यानी बहुत ही छोटी सी इक्वेशन क्या बन गई थी, व्हेन मेटेरियल इज की फैक्टर देन रेलिवेंट मेटेरियल कॉस्ट इज रॉ मेटेरियल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? ओके, और जब हम अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट भी हम सामने वाले से ले लेते हैं, राइट? फिक्स कॉस्ट हम इसलिए नहीं ले रहे कि ये कॉमन है, बल्कि इसलिए ले रहे क्योंकि वो पहले रिकवर हो रही थी, तो हम आपसे क्यों छोड़ेंगे, पहले रिकवर हो रहा था वो खर्चा, हमको नहीं देना फिर आपको, अगर आप नहीं कर रहे हो रिकवर तो हम नुकसान में थोड़ी ना एंड अप करेंगे, राइट? स्पेशल कस्टमर के साथ, राइट? हम बोलेंगे बराबर में एंड अप कर लेते, वो दे रहे थे आप दे दो। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों क्या हमने लेबर का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था, यस, लेबर में हमने कुछ ऐसे चार क्लासिफिकेशन किए थे क्या, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा था लेबर इज पेड ऑन पर यूनिट बेसिस, जिसमें हमने देखा था कि फिर वो तो यार एडिशनल कस्टमर के, फिर वो तो स्पेशल कस्टमर की जितनी एडिशनल यूनिट्स आएगी उतनी हमें बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें छोटू को पैसा देना पड़ेगा, तो हमें स्पेशल कस्टमर से लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यहीं पर मिनिमम गारंटीड वेजेस का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर हम उसमें बोलते हैं कि फिर हमको देखना पड़ेगा कि अगर ऑर्डर नहीं होता तो क्या हम यूनिट्स के बेसिस पे कर रहे थे या मिनिमम गारंटीड दे रहे थे। मान लो हम मिनिमम गारंटीड दे रहे थे, फिर हम देखते चलो अगर ऑर्डर आ जाता तो, अरे तो भी मिनिमम गारंटीड दे रहे थे, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि जेब से एक भी रुपया लग ही नहीं रहा, विच मीन्स देयर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट, मतलब जीरो रुपीज आर रेलेवेंट लेबर कॉस्ट, राइट? ओके, है ना, पहले भी मिनिमम गारंटीड दे रहे थे और अभी भी, मतलब इतना काम ही नहीं, इतनी यूनिट्स ही नहीं है, राइट? तो इस केस में रेलेवेंट लेबर कॉस्ट कैसी हो जाएगी, जीरो, राइट? ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था अगर हम उसको अलग अलग रेट दे रहे हैं, यानी शुरू की कुछ यूनिट्स के लिए अलग रेट और बाद की कुछ यूनिट्स के लिए अलग रेट, तो हम देखेंगे कि वो जो स्पेशल कस्टमर है उसकी जो यूनिट्स है वो आखिर कौन सी कैटेगरी में आ रही है, क्या वो लोअर कैटेगरी में आ रही तो लोअर, और वो हायर कैटेगरी में जा रही तो फिर उससे हायर पैसा भी लेंगे, राइट? इसको मैं ऐसा भी कर सकते थे, इफ नो ऑर्डर इफ ऑर्डर, इफ नो ऑर्डर तो कितनी यूनिट्स और इफ ऑर्डर तो कितनी यूनिट्स और कितना पैसा, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट लेबर कॉस्ट हो जाएगा, राइट? ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हमने देखा था व्हेन लेबर इज पेड ऑन आवरली बेसिस,
हमने देखा था अगर वो जो स्पेशल कस्टमर का ऑर्डर है इफ दैट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, इफ दैट फॉल्स अंडर आइडल टाइम, तो फिर तो हम उसके लिए कुछ भी रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि भाई आइडल टाइम के लिए तो हम वैसे भी पैसे दे रहे थे, आइडल टाइम के लिए हम ऐसे भी पैसे दे रहे हैं, राइट। तो हम कस्टमर से कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे ना, तो भी चलेगा, क्योंकि कस्टमर की वजह से रुपए लगे नहीं रहे। लेकिन हाँ, अगर आपका जो ऑर्डर है वो आइडल आवर्स से भी ज्यादा समय कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आइडल टाइम है 1500 आवर्स एंड दिस ऑर्डर विल टेक 1800 आवर्स, तो हम क्या करेंगे, 1500 आवर्स के पैसे तो छोड़ देंगे, क्योंकि यार वो तो आइडल थे और उसका हम पेमेंट यू भी कर रहे थे। लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हमें 1800 में से 1500 तो मिल रहे, लेकिन 300 आवर्स हमें ज्यादा लग रहे, तो अब इन 300 आवर्स का तो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, राइट। ओके, केस नंबर थ्री, अगर आप आइडल आवर्स का अलग रेट पर पेमेंट कर रहे हो और वर्क आवर्स का अगर आप अलग रेट पर पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आइडल आवर्स वुड गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क आवर्स। अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो जो डिफरेंशियल रेट है वो हमें रिकवर करनी पड़ेगी फ्रॉम दी कस्टमर, बोलो। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था सैलरी बेसिस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। सैलरी बेसिस में हमने देखा था कि अगर हम छोटू को 4000 रुपए महीना सैलरी दे रहे हैं और मान लो अब छोटू इस काम को कर रहा है, तो बस रेलिवेंट कॉस्ट जीरो होगी, क्योंकि यू भी 4000 दे रहे थे और यू भी 4000 ही देंगे, राइट। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि छोटू इस काम को करने लगेगा, तो छोटू जो काम कर रहा था उसके लिए हमें किसी और को रिक्रूट करना पड़ेगा, उसे मान लो हमें 2500 रुपए देने पड़ेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि माना छोटू तो पहले से ही था और वो इस काम को कर रहा है, पर छोटू इस काम को करने लगेगा तो दूसरा व्यक्ति उसका काम करेगा, उसको हम 2500 दे रहे हैं, यहाँ पर रेलिवेंट लेबर कॉस्ट छोटू का पेमेंट नहीं होगा, वो जो दूसरा न्यू एम्प्लॉय आया है उसका पेमेंट होगा, क्योंकि छोटू के 4000 तो इफ नो ऑर्डर तो भी दे रहे थे और इफ ऑर्डर तो भी दे रहे, लेकिन हाँ इफ नो ऑर्डर तो 2500 नहीं दे रहे थे, लेकिन इफ ऑर्डर तो 2500 दे रहे, यानी कि हमें 2500 रुपीस रेलेवेंट लेबर कॉस्ट नहीं पड़ेगी, राइट। ओके, फिर इसके बाद हमने रिटायरमेंट बेनिफिट समझा था, जिसमें हमने समझा था कि दो तरह से रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जा सकते हैं, सबसे पहला एक तो था पेंशन बेसिस और दूसरा था लमसम। पेंशन में भी दोस्तों दो तरह की पेंशन, एक तो जो कि फॉर फिक्स नंबर ऑफ पीरियड होती है और फिर एक होती जो कि आजीवन लाइफ टाइम होती है। अगर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पेंशन है तो फिर देन इट इज इररिलेवेंट, क्योंकि वो या तो आज से 15 साल शुरू होंगे या 6 महीने बाद से 15 साल शुरू होंगे, 15 साल तक तो आपको पेमेंट देना ही है, राइट। ओके, लेकिन हाँ अगर यही पेंशन लाइफ टाइम के लिए रही तो मजे आ जाएंगे यार, वर्कर अपना लेट हो गया छूटने से तो हमें उतने समय के लिए पेंशन की सेविंग्स हो जाएगी, राइट। तो एक तरीके से रेलेवेंट रेवेन्यू बन जाएगा, राइट। ओके, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर यही हम लमसम पेमेंट दे रहे हैं और नॉर्मल रिटायरमेंट है तो आगे ने पीछे देना ही है, याद जा रहा आज की वजह आज से 6 महीने बाद जाएगा तो भी देना है ना। लेकिन मजा कब आ जाता है वीआरएस के केस में, क्योंकि वो यूं 15 साल पहले रिटायर हो रहा था, अब ऑर्डर की वजह से 2 साल का ऑर्डर है, मान लो 13 साल पहले रिटायर होगा, तो उसका वीआरएस का कॉम्पेंसेशन कम बनेगा, तो जितना कम बनेगा वो हमारे लिए सेविंग्स हो जाएगा, राइट। इन ऑल दिस केसेस सैलरी ऑफ द वर्कर इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कॉस्ट। आप चाहो तो वहां पर एक लाइन लिख लो, है ना, उन सबको लिखने के बाद, इन ऑल द अबव केसेस सैलरी पेड टू द वर्कर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्डर, इन ऑल द अबव केसेस सैलरी पेड टू द वर्कर, इन ऑल द अबव केसेस सैलरी पेड टू द वर्कर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्डर इज ऑलवेज अ सैलरी पेड टू द वर्कर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑर्डर इज ऑलवेज अ क्या कह रहे हैं, इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कॉस्ट, राइट ना, वो तो हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट होगी यार, देखो ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये तो यहां तक तो पढ़ लिया था हमने कल, अब आगे। ओके चलिए, तो आते हैं हम अब हमें लेबर में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट कवर करना बाकी है। आप मुझे बता पा रहे हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें कवर करना बाकी है? की फैक्टर, राइट, व्हेन लेबर इज अ की फैक्टर। हाँ चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन कवर करेंगे, व्हेन लेबर इज अ की फैक्टर। व्हेन लेबर इज अ की फैक्टर, है ना। ओके चलिए, की फैक्टर का मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, की फैक्टर यानी वह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसकी की डिमांड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी या फिर सप्लाई कम है, राइट। ये तो मतलब अपन आईपीसीसी से जानते हैं, राइट। ओके चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और उस एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि आखिर अगर लेबर की फैक्टर होगा तो फिर किस तरीके से हम अमाउंट रिकवर करेंगे। हाँ दोस्तों, तो एक था लकड़हारा, राइट, ये क्या करता था,
ये जंगल जाता था और वहां से ये लकड़ियां काटकर लाता था, लकड़ियों से ये सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाता था और इस फर्नीचर को वो गांव वालों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, राइट था ना? ओके। इसका फर्नीचर मार्केट में लाखों में बिकता है, मतलब खूब इसका फर्नीचर है ना। और उसकी खासियत ये है कि इसके पास एक ट्रेंड वर्कर है, नाम है उसका छोटू, है ना? ओके। ये जो ट्रेंड वर्कर है ना, इतना शानदार फर्नीचर बनाता है, मतलब आप देखो तो ऐसी फिनिशिंग दिखती है और जिसकी की ही वो लकड़हारा कीमत लेता है। ओके। ये जो चेयर है इसका हिसाब किताब कुछ ऐसा है, ये वाला एग्जाम्पल दोस्तों हम नोट भी कर लेंगे। हाँ जी, तो ये जो चेयर है, ये एक चेयर, एक फर्नीचर, एक चेयर लेट से ये लोग बेचते हैं 1500 में, है ना? ये मैं यहाँ पर चेयर का हिसाब किताब लिख रहा हूँ, राइट? जो अभी इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, वो ऐसा है कि ये लोग चेयर बेचते हैं कितने में, 1500 में, है ना? ओके। चेयर बनाने के लिए इन्हें कुछ वेरिएबल कॉस्ट लगती है, इन्हें लेट से दो तरह की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, एक तो मटेरियल और दूसरा लेबर, है ना? लेट से इन्हें मटेरियल लगता है 500 रुपीज का और लेबर यानी कि छोटू को ये लोग पेमेंट करते हैं 100 रुपीज पर आवर। और कितने आवर्स लगते हैं छोटू को? लेट से 2 आवर्स लगते हैं, यानी एक तरीके से लेबर की कॉस्ट कितनी हो गई है, 200, है ना? ओके। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 800। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स को गायब कर दिया, राइट? ओके। तो लेट से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 800, राइट? ओके, है ना? ये जो चेयर है इसकी खूब डिमांड रहती है मार्केट में, यानी इस चेयर की डिमांड रहती है 3000 यूनिट्स, इस चेयर की डिमांड रहती है 3000 यूनिट्स, लगभग 3000 यूनिट्स हम आराम से बेच देते। लेकिन अफसोस की बात पता ही गया कि ये जो छोटू लोग हैं ना अपने पास, इनके सिर्फ 4500 आवर्स ही अवेलेबल है, आवर्स अवेलेबल। मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो क्या? क्योंकि अगर हमें 3000 यूनिट्स की डिमांड फुलफिल करनी है तो फिर 2 आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें 6000 आवर्स चाहिए, लेकिन है ही सिर्फ कितने, हमारे पास है ही सिर्फ कितने, 4500 आवर्स ही अवेलेबल। यानी ये बात तो कह रहे हैं कि हम गांव वालों की सारी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके। ऐसा सब कुछ था ही था, मतलब ऐसा तो चल ही रहा था, अपन कॉन्स्टेंट में तो थे ही थे, है ना? कॉन्स्टेंट में जिंदगी जी रहे थे। तभी दोस्तों हमारी जिंदगी में आना हुआ एक स्पेशल कस्टमर का, राइट? ओके। कल वाला ही कैरेक्टर ले लें। ओके। तो दोस्तों ये जो स्पेशल कस्टमर है, इसने हमें अप्रोच किया, आवाज लगाई, हे लकड़ा, क्या तुम मेरे लिए सोफाज बना सकते? और कितने सोफाज में? 10 सोफाज का हमारे पास स्पेशल ऑर्डर आया। लकड़हारा और छोटू, इनको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं, यानी इतने की फैक्टर, और ऊपर से और कितना ऑर्डर आ गया, 10 सोफाज। पर ऑर्डर ऐसा कि हम मना भी नहीं कर सकते, पर हाँ ऐसा भी है कि यार अपना नुकसान करके हाँ नहीं करना, राइट? ओके। यानी कि अब इन 10 सोफाज को ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए लकड़हारे को कहीं ना कहीं अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन डिस्टर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में इतना बिजी है कि उनके पास ऐसा कोई स्पेयर टाइम भी नहीं है ना। ओके। तो हमने कि हर सोफा को लेट से आवर्स लगेंगे 15 आवर्स, रिक्वायर्ड आवर्स, हर सोफा को 15 आवर्स लगेंगे पर सोफा, यानी देखा जाए तो कितने आवर्स का ऑर्डर है, 150 आवर्स का ऑर्डर है ना। ओके। पर हमने बोला कि ये सोफा बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल तो है ही नहीं, हम तो यहाँ पर चेयर बनाते हैं, हमारे पास सोफा के लिए तो मटेरियल ही नहीं। तो स्पेशल कस्टमर ने कहा, वैसे भी अपन तो रेलेवेंट लेबर कॉस्ट पड़ रहे हैं, आप तो ये मान के चलो कि मटेरियल तो मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। तो दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर मटेरियल हमें कौन ही प्रोवाइड कर देगा, मटेरियल हमें स्पेशल कस्टमर ही प्रोवाइड कर देगा, राइट? हमें तो सिर्फ यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर दिखाना है, बताइए, हमें तो सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, रेलेवेंट लेबर कॉस्ट, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर रेलेवेंट लेबर कॉस्ट यहां पर कितनी होगी? हाँ जी, 75,000 रुपीज। ओके,
रेलिवेंट लेबर कॉस्ट। देखो यार 75,000 रुपीज बताया जा रहा है आंसर, 75,000 रुपीज बताया जा रहा है आंसर, रेलिवेंट लेबर कॉस्ट 75,000 रुपीज। बहुत ज्यादा नहीं हो गया 75,000? मुझे तो बहुत महंगा दिख रहा सोफा। 15,000 आ रहा है क्या आंसर? 15,500, 15,500, 15,500 बताया जा रहा है आंसर। देखो यार 15,500 भी एक आंसर आ रहा मार्केट में। देखो यार आप जरा डिसाइड करो। फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ रहा है क्या कि और अलग आ रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है? तो देखो चलो करें अपन सॉल्व, है ना। 33,000 आएगा शायद से, 23,000 आएगा शायद से, ओके 23,000। देखो जरा कर पा रहे हो क्या? चलो देखें अपन कैसे होगा, है ना। ओके चलिए सो देखते हैं यार, है ना। आप तो ये मानकर चलो कि अभी अपना काम बढ़िया चल रहा है, अभी अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या जिंदगी में? अपन तो यूं ही व्यस्त है राइट, अपने को फुर्सत ही नहीं। पर स्पेशल कस्टमर का आना हुआ देखकर हमने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए काम कर देंगे। हाँ कितने सोफाज बनाने? 10 सोफाज। हर सोफा में कितने आवर्स लगेंगे? 15। यानी देखा जाए तो ये जो छोटू है इसका ध्यान डाइवर्ट होगा, कितने आवर्स? 150 आवर्स। अब ये फर्नीचर चेयर पर ध्यान देने की बजाय कहाँ ध्यान देगा? सोफा पर। तो उन 150 आवर्स में एक तरीके से अगर हम चेयर बनाते तो 2 पैसे हम कमाते, है ना। अगर हम वो 150 आवर्स यहाँ डाइवर्ट करते तो दोस्तों एक चेयर बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 2 आवर्स। यानी देखा जाए तो हमें कितने का आ रहा है कितने 75 चेयर्स का लॉस हो जाएगा एक तरीके से। 75 चेयर्स का हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उन 75 चेयर्स पे अपन तो कमाते हैं यार। कितने कमाते हैं? 800। यानी कितने? 60,000 राइट। ओके तो फिर ये 60,000 रुपीज तो हम रिकवर करेंगे किससे? स्पेशल कस्टमर से। हम बोलेंगे ना ये 150 आवर्स अगर यहाँ डाइवर्ट करते तो फिर यहाँ 75 चेयर्स बनती और उन 75 चेयर्स पर हम 800 के हिसाब से कितने कमाते? 60,000 कमाते। तो हम 60,000 तो लेना चाहेंगे ही किससे? स्पेशल कस्टमर से, है ना। अब एक बात समझना, अगर आप सिर्फ 60,000 ही लोगे और जैसे आप वो 60,000 जेब में रखने जाओगे ना, छोटू आकर आपका हाथ पकड़ लेगा, वो बोलेगा 1 मिनट मेरे 150 घंटे का पेमेंट किधर गया? हमने कहा अरे वो दे तो दिया। उसने बोला मैंने तो चेयर ही नहीं बनाई, चेयर बनाता तो मुझे मिल जाता, पर अब तो मुझे इस अमाउंट में से चाहिए। तो हम पता है क्या करेंगे? स्पेशल कस्टमर से बोलेंगे 1 मिनट स्पेशल कस्टमर, जब हम घर पर 60,000 रुपए लेकर जाते थे ना, तब मैं घर पर कब लेकर जाता था? जब मैं मटेरियल का भी पैसा दे देता था और छोटू की जेब में भी पैसे रख देता था। लेकिन अब अगर आप सिर्फ 800 रुपए पर यूनिट इंटू 75 यानी 60,000 मुझे दोगे तो मेरा तो हो जाएगा, लेकिन क्या छोटू का हो जाएगा? नहीं। क्या छोटू को चेयर वाले पैसे दे देंगे? नहीं, छोटू ने तो अब चेयर ही नहीं बनाए, तो छोटू के पैसे भी किससे निकालने पड़ेंगे? स्पेशल कस्टमर से। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले छोटू का खर्चा निकल रहा था, उसके बाद भी हम ले जा रहे थे, तो आज भी छोटू को तो देना पड़ेगा ना, वो काम तो कर ही रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि फिर छोटू की सैलरी कितनी? 100 रुपीज बराबर। एंड हाउ मेनी आवर्स आर डिवोटेड टू स्पेशल कस्टमर? 150 आवर्स। तो 150 आवर्स इंटू कितना? 100, यानी कितना होता है? 15,000 राइट। तो हमारे नाम के 60,000 दे दो, छोटू के नाम के 15,000 दे दो, 75,000 दे दो, 75,000 इज द रेलिवेंट लेबर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके, है ना। यहाँ मटेरियल का पैसा क्यों नहीं रिकवर कर रहे? ऐसा इसलिए क्योंकि मटेरियल हमारा लग नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है बोलो। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बहुत ही शॉर्टकट में बोलना चाहूं तो यहाँ पर वेन लेबर इज की फैक्टर, राइट। ओके, व्हेन लेबर इज की फैक्टर, अगर लेबर की फैक्टर है तो फिर दोस्तों दो चीजें रेलेवेंट होंगी। एक तो बताइए क्या है ना, लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट होगी और प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी रेलेवेंट
होगा, ठीक है। लेबर की कॉस्ट भी रेलेवेंट होगी और अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी रेलेवेंट होगा, कब, व्हेन लेबर इज अ की फैक्टर, ठीक है, है ना। ओके चल, हाँ जी, तो हम यहां पर लेबर की 150 आवर्स की कॉस्ट ऐड कर लेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर आवर, है ना, प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हम कैसे ऐड कर लेंगे, 800 रुपीज पर चेयर हमें लॉस हुआ और मल्टीप्लाइड बाय, हमें पता है कितनी चेयर्स का लॉस हो गया, 75 चेयर्स का हमें लॉस हो गया, इज दैट क्लियर, ओके, है ना, 75 चेयर्स का हमें लॉस हो गया, है ना, ओके, ठीक है, क्लियर हो जा रहा है दोस्तों, ओके, है ना। हम चाहें, अगर हम चाहें तो हम यहां पर ऐसा भी कर सकते थे, राइट, हम यहां पर बजाय कि यहां पर यूनिट अपॉर्चुनिटी लॉस जोड़ते हैं, हम पता है क्या कर सकते थे, हम यहां पर आर भी अपॉर्चुनिटी लॉस ऐड कर सकते थे, यानी हम क्या बोलते कि 800 हम 800 रुपीज पर यूनिट कमा रहे, कितने आवर्स की मेहनत का नतीजा है, 2 आवर्स, यानी देखा जाए तो पर आवर कितना, 400, तो हम यहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस एट द रेट ऑफ कितना जोड़ देते, 400 पर आवर इंटू हाउ मेनी आवर्स, 150 आवर्स, तो भी आंसर वही आता है, इज दैट क्लियर, तो आप यहां पर और करके प्रेजेंटेशन कर लो, है ना, और करके ये तो वही आएगा और वहां पर भी आप आर्ट्स वाला प्रेजेंटेशन कर लो, ठीक है, कर लो फटाफट। So, हाँ जी, तो हमने इसको कितना कर दिया है, कितने रुपीस पर आवर कर दिया, 400 रुपीस पर आवर मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी आवर्स, 150 आवर्स, इज दैट क्लियर, ठीक है, हम चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, है ना, ओके, ये दोनों ही प्रेजेंटेशंस इक्वली गुड है, ठीक है, ओके। अब पता है क्या हुआ, कभी कभी देखना क्या करेगा इंस्टीट्यूट, बहुत समझदार लोग आ रही है, ये लोग यहां से कभी कभी ऐसा करते हैं, आर्ट्स की इंफॉर्मेशन गायब कर देते हैं, यानी इन्होंने तो बस कल क्या बोला कि कितने रुपीस लगेंगे भाई लेबर के, 200 रुपए लगेंगे, है ना, इन्होंने आर्ट्स बताया क्या कितने आर्ट्स, नहीं, फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहां पर बता देंगे कि यहां जो हमें काम करना है ना उसके लिए छोटू को हमें 15,000 रुपीज की लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, राइट, है ना, यानी कि वो पता है क्या लिखेंगे इंग्लिश में, वो इंग्लिश में लिखेंगे द लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द स्पेशल ऑर्डर इज रुपीज 15,000, मतलब वो सीधे ही पता है आपको आर्ट्स की तो इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे, बल्कि वो बोल देंगे कि इन 10 सोफा को बनाने में लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी, 15,000, तो एक बात तो तय रही कि कम से कम 15,000 तो हमें रिकवर करने ही है, पर अभी मुसीबत क्या है कि यार अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आखिर कैसे रिकवर करें, अब तो ये भी नहीं पता है कि चेयर्स कितनी चेयर का नुकसान होगा क्योंकि आर्ट्स की इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल, हाँ जी, नहीं है ना, तो फिर उस केस में आप समझ रहे हो क्या एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, है ना, नहीं समझ रहे हो क्या आप दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखना फिर क्या है, वहां कितने रुपए की लेबर की कॉस्ट पे करनी पड़ रही, 15,000, है ना, वैसे चेयर में कितने रुपए की पे करते थे, 200, है ना, तो हम बताए यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसा समझेंगे, क्या हम सिर्फ छोटू के पैसे लेकर मान जाएंगे, अपन भी अदरवाइज जितना कमाते थे वो तो हम रिकवर करेंगे ही करेंगे, वो तो हम रिकवर करेंगे ही करेंगे, इस बार अपना स्टाइल अलग होगा, अपन क्या बोलेंगे, देखो जब हम छोटू की जेब में 200 रुपए रखते थे ना तो छोटू हमारी जेब में कितने रख देता था, 800, तो आप अगर ये स्पेशल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में हम छोटू की जेब में कितने रख रहे हैं, 15,000, तो फिर वो भी हमारी जेब में कितने रखेगा, 60,000, या सरल शब्दों में कहूं तो हम कंट्रीब्यूशन को पर 1 रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट में एक्सप्रेस कर देंगे, दैट कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच, 4 रुपीज पर 1 रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट, 800 रुपए 200 रुपए के लिए, तो 4 रुपए होगा 1 रुपए के लिए, तो हर एक एक रुपए की लेबर पर, हर एक एक रुपए जब हम छोटू को देते थे वो हमें कितने देता था, 4 रुपए, तो आज जब हम छोटू को 15,000 देंगे
तो हमें 60,000 मिलने चाहिए क्योंकि वो अदरवाइज हमें कहीं और से मिल रहे थे। एक तीसरा स्टाइल ये भी होता है जिसमें कि हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी नहीं जाते, हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर से भी नहीं जाते, हम कैसे जाते कॉन्ट्रीब्यूशन पर वन रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट से। इज दैट क्लियर? तो एक ये तीसरा प्रेजेंटेशन भी नीचे कर लो, है ना, उसमें आप लिखिए ऑल्टरनेटिवली करके लिखिए, सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज, है ना, अपन मैथ्स में लिखते थे ना वो सिंस और देयरफॉर करके वैसा, सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 800 when labor cost is rupees, since contribution is rupees 800 when labor cost is rupees 200, है ना, since contribution is rupees 800 when labor cost is rupees 200, therefore contribution is rupees 4, सही बोल रहा हूं मैं, therefore contribution is rupees 4 per, क्या बोलेंगे, per 1 रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट, देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 4 पर 1 रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट, देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 4 पर 1 रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट, है ना। बस तो अपन यहां पर वापस से प्रेजेंटेशन कर लेंगे। अब हम बोलेंगे कि भाई इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में कितने रुपए की लेबर कॉस्ट लग रही है, 15,000, तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस हर एक रुपए पर हमारी इनकम कितनी होती है 4 रुपए, तो फिर 15,000 रुपए पर हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए 60,000 रुपए, राइट। तो हमें छोटू के नाम पे 15 दे दो प्लस हमारे खुद के कितने 60 दे दो, कुल हमें वापस से कितने दे दो 75,000 दे दो। ओके, एक तरीका दोस्तों ये भी होता है कैलकुलेशन करने का, है ना। तो अल्टीमेटली क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है कि अगर लेबर रेलेवेंट, कि अगर लेबर की फैक्टर हो तो हम दो चीजें रिकवर करेंगे, लेबर की कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या है, क्लियर हो जा रहा है सबको? ओके, चलिए दोस्तों इसके वो कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स आप करते जा रहे होंगे होपफुली, है ना, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स आपने किए क्या या अभी आज का और मौका दे दें? कर लिए, नोट्स आज मिलेंगे। ओके, तो अपन एक काम करेंगे, अभी तो अपने सारे आज कॉन्सेप्ट तो कवर हो ही जाएंगे। देखो मेजर जो दो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ना, मटेरियल और लेबर, वो तो कवर कर ही लिया। आज तीन मुद्दे हमें और डिस्कस करने, एक तो रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स, रेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स और रेलेवेंट मशीन कॉस्ट, है ना। तो इस सारे कॉन्सेप्ट कर लेना आप, है ना, और फिर इसके अपन सिर्फ आंसर्स कल टैली कर लेंगे, तो जहां जहां डाउट आ रहे होंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, आप बस इसके प्रेजेंटेशन की चिंता जरा भी मत करना, मैं तो इसका 5 मिनट में तो प्रेजेंटेशन ही बता दूंगा, 5 मिनट से ज्यादा इसका प्रेजेंटेशन है ही नहीं, है ना। आपको तो बस करेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैलकुलेटर पर कैसे लिखकर कैसे करना वो तो मेरी जवाबदारी। ओके, चलिए तो दोस्तों ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया बातों ही बातों में, रेलेवेंट लेबर कॉस्ट। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, विच इज अबाउट रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स। रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके, चलिए रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स में दोस्तों इट ऑल डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्प्शन रेट। ये सारी चीजें पता है किस बात पर डिपेंड करती है कि आखिर आपको एब्जॉर्प्शन रेट उन्होंने कैसी दे रखी है। ओके, अपन सीधे डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि उन्होंने आखिर एब्जॉर्प्शन रेट कैसी दे रखी है, ना। आप एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब जानते हो ना, एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है एक बार मैं आपको कर दूंगा एक्सप्लेन, ये आखिर एब्जॉर्प्शन रेट का चक्कर क्या है। अच्छा, ये जो एब्जॉर्प्शन रेट्स होती है ना, देखो ये क्यों होती है, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आया तो हम डायरेक्ट कॉस्ट तो उससे सीधे सीधे ट्रेस कर पाते, अरे भाई ये तो तुम्हारी वजह से लगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमने एक कार गैरेज ओपन किया, कार गैरेज में हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने बोला मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, अब आप इसको ठीक कर दो, तो उसको जो जो पार्ट्स बदलने होंगे हमें, या फिर उसका अगर इंजन ऑयल चेंज करना होगा, ये सारी चीजें तो डायरेक्टली ट्रेसिबल होगी। हम बोलेंगे ये पार्ट तो तुम्हारे लिए बदले, तो इस पार्ट के पैसे कौन दोगे तुम, ये इंजन ऑयल तो तुम्हारी कार में बदला, इसके पैसे कौन दोगे तुम, राइट।
साथ ही साथ ये जो मैकेनिक है रामलाल, ये लगा हमें 5 घंटे के लिए तुम्हारी कार की पूरी सर्विसिंग करने के लिए, तो इसके पैसे भी कौन दोगे? तुम, राइट? ये सारी कौन सी कॉस्ट है? जो डायरेक्टली ट्रेसिबल है कस्टमर पे, है ना? जैसे अपन भी जब कार सर्विसिंग पर या टू व्हीलर सर्विसिंग पर देने जाते हैं तो ऐसा ही तो होता है, पार्ट्स के पैसे तो हमसे ही लेते हैं, वो कौन सी कॉस्ट हुई? डायरेक्ट कॉस्ट, राइट? ओके, पर क्या सिर्फ वो पार्ट का पैसा और लेबर का पैसा लेते हैं या उनके दूसरे खर्चे भी लगते हैं? उनके दूसरे खर्चे भी लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके यहाँ पर एक मशीन होगा, एक इक्विपमेंट होगा जिससे कि वो कार को ऊपर राइज अप कर देते होंगे, उठा लेते होंगे, या फिर उनके यहाँ पर अकाउंटेंट होगा, उनकी इस बिल्डिंग का रेंट होगा और वो उस डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट लेबर्स होंगे, इन सब का भी पैसा कहीं ना कहीं बिजनेसमैन रिकवर करता है ना? यस, रिकवर करता है। क्या ऐसा होगा कि सारा का सारा बिल्डिंग का रेंट एक ही बंदे से कवर कर लेंगे कि देखो अब तुम्हारी कार है इस बिल्डिंग में तो इस बिल्डिंग का सारा रेंट अब तुमको देना पड़ेगा, मान लो कि अपना 25,000 रुपए महीने का वो पूरा सेटअप है और एक कार आई सर्विसिंग पे, तो क्या हम उसी से ही सारे ले लेंगे? नहीं, हम पता है क्या करेंगे, हम इस 25,000 रुपए के रेंट को सब पर डिवाइड करेंगे कि भाई हर कोई फेयर शेयर, आपको हर किसी को फेयर शेयर देना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं दोगे तो मेरा खर्चा निकलेगा आखिर कहां से, राइट? ओके, है ना? एक बात बताओ, ये जो डिसाइड होता होगा कि यार कितना लेना है, ये साल की शुरुआत में ही डिसाइड होता है या एंड में? शुरुआत में, तो आपको शुरुआत में ही डिसाइड करना पड़ेगा। और आपने भाई फॉर एग्जांपल आपके यहाँ आपका 25,000 रुपए का रेंट है और आपके यहाँ पर एक कार वाला आया और आपने उस कार के लिए एक पार्ट बदला, आपने बोला इसके लिए 2,000 रुपए, लेबर लगा 2 घंटे, उसके लिए 100 रुपए पर आवर के हिसाब से 200 रुपए, और फिर आपने उसको कहा कि अब ये बिल्डिंग का भी एक फेयर शेयर आपको देना पड़ेगा, उसने बोला ठीक है बताइए भाई साहब फेयर शेयर कितना, तो हमने कहा फेयर शेयर तो देखना पड़ेगा, 25,000 रुपए का रेंट लगता है इस पूरे सेटअप का, अब क्या पता कितनी कार्स आएंगे। तो उन भाई साहब ने कहा एक काम करो भाई साहब, आप देख लेना इस महीने में कितनी कार्स आएंगी, फिर आप 25,000 रुपए को उतनी कार से डिवाइड कर देना और मुझे रिकवरी बिल भेज देना, मैं देने आ जाऊंगा। क्या ऐसे आएगा क्या कोई कस्टमर, है ना? तो आपको तो पैसा कस्टमर से कभी लेना पड़ेगा, उसी वक्त लेना पड़े, है ना? तो पर हमको तो सर पता ही नहीं कि कितने लोग आएंगे। हाँ, तो दोस्तों ये सारा काम किस पर होता है? एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है, यानी हम एस्टिमेट लगाते हैं कि और हमारे खर्चे कितने होंगे, और हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने आवर्स काम होगा या फिर कितने लोग आएंगे, और हम उस खर्चे को डिवाइड करते हैं यार कितने लोग आएंगे या फिर कितने आवर्स काम होगा, तो हमें एक रेट मिल जाती है विच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, कि अब जैसे जैसे लोग आते जाएंगे देखो हमारा खर्चा तो होता ही जाएगा, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हम इतना खर्चा एब्जॉर्ब करते जाएंगे, रिकवर करते चले जाएंगे। इसको एब्जॉर्प्शन रेट भी बोल सकते हैं, इसको रिकवरी रेट भी बोल सकते हैं, इसको एप्लीकेशन रेट भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर, है ना? ओके, ये जो रेट होती है कैसे डिसाइड होती है? साल की शुरुआत में एंड बेस्ड ऑन बजटेड डेटा डिसाइड हो जाती है, राइट? ओके, और ये जो रेट डिसाइड होती है सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चों के लिए ही होती है, क्योंकि डायरेक्ट खर्चे तो सीधे सीधे ही ट्रेस हो जाते हैं ना। अब ये इनडायरेक्ट खर्चे भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल और दूसरे होते हैं फिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरिएबल एक्सपेंस, लेकिन अगर रेंट है तो रेंट इज अ फिक्स एक्सपेंस, राइट? हम क्या करते हैं इनको दो टुकड़ों में क्लासिफाई करते हैं, वेरिएबल और फिक्स। ऐसा इसलिए अगर कोई आए या नहीं आए फिक्स खर्चा तो लगता ही लगता है, लेकिन अगर कोई आए ही नहीं तो हमारे वेरिएबल खर्चे जरूर बच जाते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार सर्विसिंग पर ही नहीं आए तो हमारा मशीन का पावर एक्सेट्रा कोई कंजम्पशन ही नहीं होगा, मशीन का जो लुब्रिकेंट ऑयल होगा ये सारा हमें नहीं लगेगा, राइट? ओके, तो दोस्तों इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? ओवरहेड्स। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट दो तरह की होती है, वेरिएबल और फिक्स, इसलिए दो तरह के ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स। और इनको हम रिकवर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, है ना? अब ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है हमें क्वेश्चन में दो तरह की, ये हमें क्वेश्चन में तीन तरह की दी जा सकती है। सबसे पहला तो हो सकता है कि वो हमें वेरिएबल ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट बेसिस पर दे दें, वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन पर यूनिट बेसिस दे दें, हो सकता है कि वो हमें वेरिएबल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट पर आर बेसिस पर दे दें, और हो सकता है कि वो हमें वेरिएबल ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सेल्स कभी भी नहीं आएगा, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करने का बोल रहे हैं ना।
एज अ परसेंटेज ऑफ, कैसा बोलते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट? ओके चलिए, हाँ, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओके चलिए, ठीक है। अगर दोस्तों उन्होंने हमें वेरिएबल ओवरहेड्स की रेट कैसी दे दी, पर यूनिट बेसिस पर दे दी, तो अब अगर स्पेशल ऑर्डर आता है तो ये रेलेवेंट होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होगा, हम सामने वाले से रिकवर करेंगे, या इररेलेवेंट होगा? रेलेवेंट होगा, बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड्स की रेट कैसी ऑन पर यूनिट बेसिस, और जैसे स्पेशल ऑर्डर आएगा इट वुड एड अप सम नंबर ऑफ यूनिट्स, जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था अब उससे कुछ यूनिट्स ज्यादा होगा, तो हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे हैं पर यूनिट बेसिस पर, तो यहां पर जो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वो रेलेवेंट हो जाएंगे, राइट? ओके, है ना, इस केस में वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट बिकॉज स्पेशल ऑर्डर वुड एड अप सम नंबर ऑफ यूनिट्स टू अवर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, राइट? इट विल ऑलवेज बी रेलेवेंट, ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट, इट इज ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अगर हमारी वेरिएबल ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट उन्होंने कैसी दे दी, पर आवर बेसिस पर दे दी, है ना, ओके, तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे या इररेलेवेंट होंगे, या वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, देखना दोस्तों किस बात पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे ऑलरेडी आइडल आवर्स है, है ना, तो आइडल आवर्स मान लो 500 आइडल आवर्स है और स्पेशल ऑर्डर को 200 आवर्स चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी वेरिएबल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट कैसी, पर आर बेसिस पर है, और वेरिएबल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट अगर पर आर बेसिस पर है तो हम इन आवर्स का पेमेंट पहले भी कर रहे थे और इन आवर्स का पेमेंट हम अभी भी करेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड इन आवर्स पर पहले भी लग रहे थे और वेरिएबल ओवरहेड इन आवर्स पर अभी भी लग रहे हैं, बोलो, तो एक तरीके से क्या वेरिएबल ओवरहेड रेलेवेंट होंगे? वेरिएबल ओवरहेड रेलेवेंट नहीं होंगे, राइट, है ना। लेकिन बताए आपको क्या होता है कि यहाँ जब वेरिएबल ओवरहेड की रेट पर आर बेसिस पर होती है ना, तो इसमें भी दो तरह के आर्स हो जाते हैं, एक पेड आर्स और दूसरे वर्कड आर्स। देखो कैसे, वेरिएबल ओवरहेड की जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना, हो सकता है कि क्वेश्चन ने आपको कैसे दे दियो, पर आर पेड, या फिर आपको दे दिए हो वेरिएबल ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर वर्क्ड, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है उन्होंने आपको वेरिएबल ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर पेड दे दी हो, या फिर हो सकता है पर आवर वर्क दे दी हो, राइट, ओके, है ना। पर आवर पेड अगर दिया हो तो दोस्तों अगर आइडल आवर्स है तो उन आइडल आवर्स का पेमेंट हम पहले भी कर रहे थे, और क्योंकि वो हमारे पेड आवर्स थे तो उस पर हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स पहले भी लग रहे थे। अब जब ऑर्डर आएगा तो वो पेड आर्ट्स जो है उन वो तो अभी भी पेड आर्ट्स ही रहेंगे, नहीं पहले वो आइडल थे और पेड थे, अब वो वर्कड आर्ट्स हो जाएंगे और पेड हो जाएंगे, पर जब तक पेड का सवाल है वो तो पहले भी पेड थे और अभी भी पेड है, तो क्या वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे? नहीं, वो इररेलेवेंट होंगे, क्योंकि पेमेंट हम वर्कर्स को आइडल टाइम के पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। पर हमारी वेरिएबल ओवरहेड्स की रेट कैसी पर आवर पेड है, तो वो पहले भी लग रही थी और अभी भी लगेगी, तो ऐसे क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, तो क्या वो रेलेवेंट है? नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमारी वेरिएबल ओवरहेड्स की रेट कैसी हो पर आवर वर्क दो, तो पहले वर्कर आराम से बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, राइट, क्या वो वर्किंग कंडीशन में था? नहीं था, पर फिर भी हम उसको पेमेंट कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, माना हम लेबर को उसकी लेबर कॉस्ट पे कर रहे थे, पर क्या हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स लग रहे थे? हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं लग रहे थे। हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स कब लगते? जब हम काम करते हैं, वो तो पहले काम ही नहीं कर रहा था तो वेरिएबल ओवरहेड्स ही नहीं लग रहे थे। अब अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाएगा तो वो आइडल यानी लेटा हुआ वर्कर अब बैठा हो जाएगा और वो काम करना शुरू करेगा। अच्छा, उसको पेमेंट तो हम लेबर की कॉस्ट तो पहले भी पे कर रहे थे और अभी भी पे कर रहे थे, तो लेबर की कॉस्ट तो रेलेवेंट नहीं होगी। लेकिन हाँ,
अब क्योंकि वो काम करना शुरू हो गया है तो अब हम उसे तो अब उसका वेरिएबल ओवरहेड्स का मीटर भी शुरू हो गया, तो वेरिएबल ओवरहेड्स इस केस में क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बोलो ओके है ना। एक मिनट यार, मतलब ये तो समझ में आ गया है ना। तो दोस्तों अगर पर आवर पेड रहा वेरिएबल ओवरहेड्स का, अगर एब्जॉर्प्शन रेट कैसा था, पर आवर पेड था, तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे या इररेलेवेंट होंगे, रेलेवेंट होंगे या इररेलेवेंट होंगे, हाँ इररेलेवेंट होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ आइडल आवर्स या एज ए बस इररेलेवेंट ही होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ आइडल आवर्स, यानी जितने आइडल आवर्स है ना उतने आवर्स के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स इररेलेवेंट होंगे। लेकिन हाँ अगर मान लो आइडल आवर्स 500 है और ऑर्डर 600 आवर्स का है तो अब हमें एक्स्ट्रा 100 आवर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर उन एक्स्ट्रा 100 पेड आवर्स पर हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स भी एक्स्ट्रा लगेंगे, राइट। यानी यहां पर मुझे करेक्ट लैंग्वेज क्या लिखनी चाहिए, इररेलेवेंट कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ आइडल आवर्स। अगर आइडल आवर्स से बियॉन्ड जा रहा है ना ऑर्डर तो फिर तो आपके पेड आवर्स ही बढ़ गए, तो फिर तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी बढ़ जाएंगे, कहना चाह रहे हो। एक मिनट अभी डिस्कस कर लेते हैं, मैं लिख दूं पहले मेन कॉन्सेप्ट है ना, मैं वैसे जो तुम्हारे सारे डाउट्स है वो मैं एड्रेस करता ही हूँ इसको करने के बाद, है ना। तो जो भी डाउट्स आ रहे हैं अभी सब हो जाएंगे क्लियर है, मतलब मैं ये तो लिखवा रहा हूँ सिर्फ प्योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो फिर अभी अपन प्रैक्टिकल लाइफ वाला भी डिस्कस करेंगे, तो जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे हो प्रैक्टिकल वाले है ना वो अभी अपन समझा ही देंगे। हाँ बोल दें। अगर आपके वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आवर्स पर हैं, तो मशीन आइडल नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, जहां तक मुझे ध्यान है सिर्फ लेबर आइडल नाम के ही कॉन्सेप्ट होते हैं। मशीन अगर आइडल रहती तो अपन मशीन को पेमेंट नहीं करते, राइट। तो मशीन के केस में तो इट विल ऑलवेज बी इररेलेवेंट। हाँ हाँ लेबर के केस में ये सारा चक्कर आता है ना, मशीन के केस में तो कोई चक्कर ही नहीं होता। अगर आपके मशीन अगर आपके वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आ रहे, वैसे ऐसा इस चैप्टर में होता नहीं, सारे पर लेबर आर ही चलते हैं ना, अगर पर मशीन आर है तो फिर तो मशीन तो कभी आइडल होती नहीं, मशीन काम करती तो खर्चा लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके सो हाँ सर यहां पर क्या डिस्कस किया था, अगर वेरिएबल ओवरेज कैसे हो पर आवर वर्कड, तो ऑर्डर के आने से हमारे वर्क आवर्स तो बढ़ जाएंगे, और वर्क अगर बढ़ जाएंगे तो फिर इट विल ऑलवेज बी अ रेलेवेंट कॉस्ट, राइट। ओके ये हमेशा ही रेलेवेंट कॉस्ट होगा, ऑलवेज रेलिवेंट कॉस्ट। ओके चलिए, इनकेस अगर यहां पर वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे हुए एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हुए, है ना। ओके तो यहां पर तो बहुत सिंपल सा एक रूल फॉलो होता है कि आपके वेरिएबल ओवरहेड्स आप कैसे एब्जॉर्ब करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। तो हम देखते हैं क्या ऑर्डर के आने की वजह से लेबर की कॉस्ट बढ़ी है, अगर हाँ तो फिर तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी बढ़ेंगे और रेलेवेंट होंगे। यानी सरल शब्दों में ऐसा थंब रूल बनाया गया कि अगर ऑर्डर के आने की वजह से लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब है कि रेलेवेंट लेबर कॉस्ट है। तो अगर रेलेवेंट लेबर कॉस्ट है तो फिर रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स भी होंगे, और अगर रेलेवेंट लेबर कॉस्ट नहीं है तो फिर रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स भी नहीं होंगे, राइट, बिकॉज दिस आर बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट। सो इफ रेलेवेंट लेबर कॉस्ट देन देयर वुड बी रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है ओके तो यहां पर रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स वुड बी सिंपल एज अ परसेंटेज ऑफ रेलेवेंट लेबर कॉस्ट। इफ आरएलसी इज देयर then RVOH
will also be there. अगर relevant labor cost है तो फिर relevant variable overheads भी होंगे और नहीं है तो नहीं होंगे. चलो अब दोस्तों मेरे एक सवाल का जवाब देना. कि आपको ये समझ में आ गया कि कब वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे कब इररेलेवेंट होंगे? जब या तो हमें वेरिएबल ओवरहेड्स की रेट पर यूनिट दे रखी हो या फिर पर आर दे रखी हो या फिर ऐसा एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट दे रखी हो ऐसा कुछ दे रखा हो, है ना. ओके यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी कल्पना करो कि आप एक कंपनी में गए, मान लो आपकी जॉब लग गई पीथमपुर की किसी कंपनी में, है ना. और पीथमपुर की इस कंपनी में आपने बस जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन आपको एक स्पेशल ऑर्डर का इवेल्यूएशन करने को आया. यानी आपको कंपनी ने बोला कि मिस्टर सीए ये एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है और आप इसका इवेल्यूएशन कर दो. तो एक्सपोर्ट ऑर्डर का आप इवेल्यूएशन कर रहे थे तो आपने देखा इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में इतना मटेरियल लगेगा, इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में इतना लेबर लगेगा, सब कर लिया, है ना. अब बारी आई कि यार अब इस एक्सपोर्ट ऑर्डर में हमें वेरिएबल ओवरहेड्स का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना. ओके तो आपने कहा कि अगर आप गए मैनेजमेंट के पास, आपने कहा कि सर ये देखो हमने रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट भी निकाल लिया और रेलेवेंट लेबर कॉस्ट भी निकाल लिया ऑर्डर के लिए, बस अब एक रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स और जोड़ना रह गया हमें. और उसके लिए तो मैनेजमेंट ने कहा बस जोड़ दो रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स कर दो मिस्टर सी कंप्लीट. हमने कहा वो हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी में जो वेरिएबल ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट है वो कैसी, मतलब क्या वो पर यूनिट है. तो उन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा. हमने कहा अरे सिंपल है, अगर वो पर यूनिट होगी तो ऑर्डर के आने से ज्यादा यूनिट्स होगी तो हमें रेलेवेंट लेना पड़ेगा, और अगर वो पर आवर बेसिस होगी तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में वो पर लेबर आवर पेड है या फिर वो पर लेबर आवर वर्कड है, तो उससे वो हमें अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ेगा. और अगर वो एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट हुआ तो हमें वैसा करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो मिस्टर सी. हमने कहा वैसे ही होता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता तो ऐसा करते हैं, वैसा तो वैसा करते हैं. तो उन्होंने बोला कि मिस्टर सी यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू डिसाइड कि हमारी कंपनी में पर यूनिट चलेगी या पर आवर चलेगी या एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट चलेगी, और अगर पर आवर चलेगी तो पर आवर पेड चलेगी या वर्क चलेगी. हमने कहा हम कौन होते डिसाइड, ये तो हमेशा क्वेश्चन देता है. तो अपने समझना क्या कि प्रैक्टिकल लाइफ में आखिर कब, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप ही हो ना सब करता धरता, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आखिर कब हमारी वेरिएबल ओवरहेड्स की रेट पर यूनिट चलती होगी, कब पर आवर चलती होगी, और पर आवर में भी कब पर आवर पेड चलती होगी, कब पर आवर वर्क चलती होगी, और कब ऐसा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चलती होगी, है. ओके समझते हैं अपन, चलो, है ना, कि कब पर यूनिट चलेगी और कब पर आवर. वैसे अपन ने क्वेश्चन हर प्रकार के किए, कभी वो पर यूनिट दे देते कभी वो पर आवर देते, लेकिन रियल जिंदगी में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, राइट. तो यू आर द वन हु हैज टू डिसाइड कि यार पर यूनिट होनी चाहिए या फिर पर आवर होनी चाहिए, है ना. चलो अपन उदाहरण से समझ, लेट अस से कि आप अच्छा यहां पर अपन ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं क्या, है ना, और ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट, डू यू एग्री. और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दोस्तों तीन तरह की होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चेयर बना रहे हैं तो चेयर बनाते वक्त अगर आपको फेविकॉल लग रहा है, जैसे चेयर बनाते वक्त अगर आपको लकड़ी लग रही, वुड लग रही, तो ये तो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन फेविकॉल जो लग रहा है इट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल. डू यू एग्री, या समझाऊं कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों है, ये तो आपको पता है, ये तो पता है यार, ऐसा क्या कर रहे हैं. ओके फिर डायरेक्ट लेबर, अब उस चेयर को बनाने में जो कारपेंटर लग रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, लेकिन कारपेंटर को जो छोटू सपोर्ट कर रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर है, है ना. वैसे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पावर का खर्चा इज नॉट अ मटेरियल, पावर का खर्चा इज नॉट अ लेबर, इट इज एन एक्सपेंस. या रेंट का खर्चा इज नॉट अ मटेरियल, रेंट का खर्चा इज नॉट अ लेबर, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट. ओके तो तीन तरह के ओवरहेड्स होते हैं, कौन कौन से तीन तरह के, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट. ओके देखना मैं बता रहा हूं किस कंपनी में आप पर यूनिट पर चलोगे.
अगर आपकी कंपनी के ओवरहेड्स, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आपकी कंपनी के ओवरहेड्स में मेजर प्रपोर्शन इनडायरेक्ट मटेरियल का होगा, यानी 70-80% ऑफ द ओवरहेड्स क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल ही है, बस 10-20% ही लेबर है और 10-20% ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो दोस्तों जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी यूनिट्स बनाई या कितने समय में बनाई, आपने कितनी यूनिट्स बनाई। फॉर एग्जांपल अगर चेयर बनाने में फेविकॉल लग रहा है तो एक चेयर बनाएंगे तो फेविकॉल लगेगा, अब वो एक चेयर आप आधे घंटे में कवर कर दो बना दो तो भी फेविकॉल तो उतना ही लगना है, और आप 10 घंटे तक लेकर बैठे रहो तो भी फेविकॉल तो उतना ही लगना है। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसका बेसिक नेचर क्या है कि वो किससे गवर्न होता है, नंबर ऑफ यूनिट से। तो अगर हमारी कंपनी में इनडायरेक्ट मटेरियल का मेजर प्रपोर्शन है तो हम हमारी वेरिएबल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन पर यूनिट बेसिस डिसाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सिचुएशन नंबर टू, अगर हमारी कंपनी में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीन खर्चों में से मेजर प्रोपोर्शन अगर इनडायरेक्ट लेबर का होगा, इनडायरेक्ट लेबर यानी सपोर्ट स्टाफ जो कि मेन स्टाफ को सपोर्ट करता है, राइट, है ना। ओके, तो अगर इनडायरेक्ट लेबर का मेजर प्रोपोर्शन है, 70-80% खर्चा हमारा है ही क्या इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट लेबर जो है वो नंबर ऑफ यूनिट से गवर्न होता है या नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू प्रोड्यूस दोज यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू प्रोड्यूस दोज यूनिट्स। तो अगर नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लग जाएंगे तो फिर हमारे इनडायरेक्ट लेबर के भी आवर्स ज्यादा लगेंगे तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, यानी अब हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड है वो यूनिट बेसिस पर नहीं चल रहा है, वो किस पर चल रहा है, आवर्स बेसिस पर। तो फिर ऐसी कंपनी में हम क्या करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड की रेट कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन पर आवर बेसिस। इज दैट क्लियर? ओके, और वो जो है ना एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कुछ भी नहीं है। अगर आप आर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हो अपनी कंपनी में, क्योंकि आर्ट्स आपको फिर सब जॉब पर ट्रैक करने पड़ेंगे कि यार इस जॉब में कितने आर्ट्स लगे, उस जॉब में कितने आर्ट्स लगे, एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर आर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हो तो आर्ट्स की बजाय आप पता है कैसे भी एब्जॉर्ब कर सकते हो, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, राइट। तो ऑब्वियसली जहां ज्यादा आर्ट्स लगेंगे वहां पर कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, तो हम बजाय की आर्ट्स से कनेक्शन बनाए हम किससे बना सकते हैं, कॉस्ट से भी कनेक्शन बना सकते हैं, मतलब बस इसका दूसरा रूप है वो। इज दैट क्लियर? ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट रूप है वो, बट इसका काइंड ऑफ दूसरा रूप है वो, ठीक है। ओके, समझ में आया कब हम पर यूनिट कब हम पर आवर बेसिस पर चलेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये दोनों दे रखे, इन दोनों में अगर क्वेश्चन ऐसा देगा पर आवर पेड दे देगा वो मान लो, तो फिर हम तो पेमेंट आइडल आवर्स का पहले भी कर रहे थे और इस पर वेरिएबल ओवरहेड्स भी लग रहे थे और अभी भी करेंगे, उस पर ओवरहेड्स अभी भी लगेंगे, तो एसएस देयर इज नो चेंज इन द वेरिएबल ओवरहेड्स, देयरफॉर वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट बिकम्स इररिलेवेंट। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे पर आवर वर्कड है, तो पहले आइडल थे तो वर्क नहीं थे यानी ओवरहेड्स नहीं लग रहे थे, लेकिन नाउ वी आर इन वर्किंग कंडीशन तो ओवरहेड्स लगेंगे, तो दिस बिकम्स रेलेवेंट, है ना। ओके, क्वेश्चन इज मान लो कि क्वेश्चन आपको बस बोल दे ₹5 पर आवर, मान लो क्वेश्चन ने आपको वेरिएबल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट कैसी दे दी, ₹5 पर आवर दे दी, और आपको क्वेश्चन ने ये बोला ही नहीं कि वो पर आवर पेड है या फिर वो पर आवर वर्कड है, तो आप जानते हैं डिफॉल्ट असम्पशन क्या है, डिफॉल्ट असम्पशन है पर आवर वर्क, राइट। सो दिस इज अवर डिफॉल्ट असम्पशन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, this is our default assumption if question is silent, if question is silent, ये होता है दोस्तों हमारा default assumption, अगर question silent हो तो, अगर question silent हो तो ये है हमारा default assumption, ठीक है, बोलो। okay, है ना। अब हम यहां पर एक बात समझो, मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसको क्यों लिया डिफॉल्ट असम्पशन, हम तो इसको भी ले सकते थे डिफॉल्ट असम्पशन। तो दोस्तों उसके दो कारण, पहला कारण तो है क्योंकि इंस्टीट्यूट इसी को ही लेता है डिफॉल्ट असम्पशन, यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंस्टीट्यूट किसको लेता है डिफॉल्ट असम्पशन, इसको, और अगर वो इसको लेते हैं तो अपने को भी इसको ही लेना है। ओके, ठीक है सर, अब इंस्टीट्यूट लेता तो अपने को तो लेना ही है, पर इंस्टीट्यूट इसको क्यों लेता है डिफॉल्ट असम्पशन, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ दी वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं ना वो तब नहीं लगते जब वर्कर आ जाता है, तब लगते हैं जब वर्कर काम करना शुरू होता है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ यार,
जब वर्कर आ जाएगा और आइडल बैठा रहेगा तो इनडायरेक्ट मेटेरियल खर्चे होना शुरू हो जाएंगे, वो काम करेगा तो बोलो, यानी इनडायरेक्ट मेटेरियल तो पूरा पूरा तभी लगता है जब वर्कर वर्किंग कंडीशन में हो। दूसरा, बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि तभी लगते हैं जब वर्कर काम करे, जैसे फॉर एग्जांपल पावर का एक्सपेंस, मशीन का पावर तभी लगेगा जब वर्कर काम करे, या मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस का भी खर्चा हमारा तभी बढ़ेगा जब हम काम कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ दी वेरिएबल ओवरहेड्स प्रैक्टिकल लाइफ में वर्कर के आने से लगते हैं या वर्कर के काम करने से लगते हैं, वर्कर के काम करने से लगते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे खर्चे, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्कर आए तो लाइट बिजली पंखा तो चलाएगा, पर लाइट बिजली पंखा का उतना खर्चा नहीं होता जितना मशीन का पावर होता है, जितना इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ दी खर्चे क्योंकि वर्कर के वर्किंग कंडीशन में आने से लगते हैं, इसलिए डिफॉल्ट अजम्पशन है कि अगर कुछ नहीं बोला तो हम ये मानेंगे क्या, काम करेंगे तो ही वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली, इसलिए इंस्टीट्यूट उसे डिफॉल्ट अजम्पशन लेते हैं। बातें आ गई मेरी समझ में? हाँ, अब पूछ रहे हैं, अब क्या क्या डाउट पूछ रहे थे, एक एक करके पूछो। हाँ हाँ हो जाएगा, ओके चलो। हाँ बोलो यार, अच्छा अगर सर आइडल आवर्स की वेज रेट अलग हो और वर्क आवर्स की वेज रेट अलग हो तो फिर यहां पर वो रेलिवेंट हो जाएंगे या फिर अभी नहीं? तो पहले बताओ कि पर आवर पेड चल रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स या पर आवर वर्क चल रहे हैं? पर आवर पेड चल रहे हैं ना। और सर आइडल आवर्स की पेमेंट रेट अलग हो, मान लो आइडल आवर्स के लिए हम पे कर रहे हैं 5 रुपए और वर्क आवर्स वर्किंग कंडीशन में आने पर हम पे कर रहे हैं लेट से 8 रुपए, हाँ तो सर फिर उसके वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे या अभी भी रेलेवेंट होंगे? हाँ जी, 3 रुपए रेलेवेंट होंगे। ये 3 रुपए जो रेलेवेंट होंगे आप बोल रहे हो वो वेरिएबल ओवरहेड्स के रेलेवेंट बोल रहे हो या लेबर के रेलेवेंट बोल रहे हो? लेबर के रेलेवेंट होंगे, ये तो अपन पहले ही कवर कर चुके कॉन्सेप्ट। असली डाउट ये कि सर इसका वेरिएबल ओवरहेड्स पर क्या इंपैक्ट आएगा? नो इंपैक्ट नहीं, इसलिए नो इंपैक्ट क्योंकि आपने यहां पर वेरिएबल ओवरहेड्स का कनेक्शन उसके पेमेंट उसके आवर्स से बनाया है, ना कि आप उसको पर आवर कितना दे रहे हो उससे बनाया है। आप उसको 5 रुपए पर आवर दे रहे हो या आप उसको 100 रुपए पर आवर दे रहे हो? आपकी वेरिएबल ओवरहेड्स की रेट कैसी? पर आवर पेड, यानी आपने उसको 1 घंटे का पेमेंट दिया, इधर वेरिएबल ओवरहेड भी जोड़ लोगे, 2 घंटे का पेमेंट दिया वेरिएबल ओवरहेड भी जोड़ लोगे, फिर आप 2 घंटे का 5 रुपए दो या 500 रुपए दो, आपके वेरिएबल ओवरहेड्स तो लग जाएंगे, राइट। तो हियर वेरिएबल ओवरहेड्स आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर कॉस्ट। हाँ अगर यही डाउट तुम यहां पूछते ना तो वो रेलेवेंट होता है, क्योंकि आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो आपका रेलेवेंट लेबर कॉस्ट बनेगा तो आपका रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स भी बनेगा ना, पर यहां उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ यार, और कुछ डाउट पूछ रहे थे? वेरी गुड, हाँ इसमें तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है क्योंकि वो जब रेलेवेंट लेबर कॉस्ट में आएगा, क्योंकि वो जब आप डिफरेंशियल रेट पर पेमेंट करोगे तो रेलेवेंट लेबर कॉस्ट में आएगा, तो रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स में, वही मैं बोल रहा हूँ वहां ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। यहां पर अलग अलग रेट ऑफ पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि यहां पर आप रेट ऑफ पेमेंट से कनेक्शन नहीं कर रहे, आप उसके आर्स पेड से कनेक्शन कर रहे हो, राइट ओके, है ना। और कोई सा डाउट हो पूछो यार, क्लियर है? ये डिफॉल्ट अजम्पशन होता है ये भी क्लियर है, ये क्यों डिफॉल्ट अजम्पशन होता है ये भी क्लियर है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, इसलिए आईसीआई ऐसा ही करता है, इसलिए अपने को भी ऐसा ही करना है, ठीक है चलो ओके। ये हमने दोस्तों कॉन्सेप्ट देखा किसका, रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स का, है ना ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर विच इज अबाउट रेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स, है ना। चलो यार अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, रेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स। नोट कर लिया होगा आपने चार्ट, है ना। रेलेवेंट फिक्स ओवरहेड्स, है ना, क्या शानदार नाम रखा है इसका, देखो क्या नाम रखा बताओ जरा, रेलेवेंट फिक्स ओवरहेड्स। ओके तो दोस्तों अब हम हमारा अगला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स का उदाहरण मैं यहां पर बिल्डिंग का रेंट ले लूं तो आपको कोई आपत्ति तो है ही नहीं, बिल्डिंग का रेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स ओवरहेड्स। यहां मशीन को अगर लीज रेंटल पर लेकर आए तो मशीन का लीज रेंटल इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ
फिक्स ओवरहेड्स, या हमारा जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर भी एक ओवरहेड ही होता है, क्योंकि सुपरवाइजर का खर्चा डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होता, वो तो काफी सारी चीजों को एक साथ सुपरवाइज करता है, तो सुपरवाइजर इज ऑल्सो एन ओवरहेड, एंड वॉट काइंड ऑफ ओवरहेड सुपरवाइजर इज, सुपरवाइजर इज अ फिक्स ओवरहेड, राइट। दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे। हाँ, समझना हम ये चाह रहे हैं कि फिक्स ओवरहेड्स रेलिवेंट कब होंगे। दोस्तों बाय डिफॉल्ट फिक्स ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट, क्योंकि उनके नाम में ही क्या है, फिक्स, दिस आर फिक्स, यानी ऑर्डर नहीं आता तो भी उतने ही लगते हैं, और अगर ऑर्डर आ गया तो भी उतने ही लग रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट फिक्स ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट, बाय डिफॉल्ट फिक्स ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए, सिचुएशन बदल दे, सिचुएशन अगर ऐसी बदल कर बोले कि अगर हमने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो हमें सुपरवाइजर को थोड़ा ज्यादा रुकाना पड़ेगा, और फिर हम उसे 15,000 की बजाय 18,000 रुपए महीना सैलरी देंगे, फिर तो आप भी समझ रहे, देन फिक्स ओवरहेड्स आर रेलिवेंट। यानी आज भी दोस्तों दिल में रूल वही है कि क्या ये खर्चा ऑर्डर की वजह से हो रहा है, अगर जवाब निकले हाँ तो फिर ये रेलिवेंट है, और जवाब निकले ना अरे ये तो यूं भी हो रहा था और यूं भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे फिर ये इररेलेवेंट है। यानी बाय डिफॉल्ट वैसे फिक्स ओवरहेड्स इररेलेवेंट होते हैं, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल फिक्स ओवरहेड्स हो रहे हैं ऑर्डर की वजह से, एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स हो रहे हैं ऑर्डर की वजह से, या फिर जो फिक्स ओवरहेड्स हम बचा सकते थे वो ना बचा पाएंगे ऑर्डर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल इस सुपरवाइजर को हम निकालने ही वाले थे यार, इसका कुछ काम ही नहीं था, 15,000 रुपए महीने के सुपरवाइजर को निकालने ही वाले थे, पर अगर ऑर्डर आ जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं यार सुपरवाइजर यू हैव टू कंटिन्यू। तो एक तरीके से अगर ऑर्डर नहीं आता तो 15,000 रुपए बच जाते, पर अगर ऑर्डर आ गया तो फिर 15,000 रुपए ना बच पाएंगे, यानी हमारा जो आउटफ्लो था वो अदरवाइज बच जाता और अब नहीं बच पाएगा, तो फिर ये हम किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से रिकवर करेंगे कि यार ये तुम्हारी वजह से ही लग रहा है अब एक तरीके से हमें। यानी फिक्स ओवरहेड्स अगर इंक्रीमेंटल हो, एडिशनल हो, या फिर अवॉइडेबल हो, अवॉइड हो सकते थे और ऑर्डर की वजह से नहीं हो पाए, तो फिर ऐसे फिक्स ओवरहेड्स क्या बन जाएंगे, रेलेवेंट बन जाएंगे, ठीक है। लिख लें अपन इसको, है ना। चलो मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ओके, बाय डिफॉल्ट फिक्स ओवरहेड्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट, बाय डिफॉल्ट फिक्स ओवरहेड्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट, बाय डिफॉल्ट फिक्स ओवरहेड्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट। हाउएवर इफ क्वेश्चन मेंशंस फॉलोइंग वर्ड्स, However, if question mentions following words, और नीचे आप ये words लिखिए, आप ये शब्द लिखिए दोस्तों, कौन कौन से words question mention कर दें, लिखिए आप, first word लिखिए additional fixed overheads, लिखा दोस्तों आपने, first word क्या लिखा, additional fixed overheads, है ना, okay, दूसरा word पता है हम क्या लिखना चाह रहे हैं, बताओ आप, incremental fixed overheads, मतलब वो एडिशनल इंक्रीमेंटल खैर मतलब एक ही होता है, पर हम भोले भाले रहते हैं ना, इसलिए सारे बताने पड़ते हैं आपको। हाँ, तो दूसरा वर्ड हमने कौन सा लिख लिया, इंक्रीमेंटल, ओके, इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स, ओके, फिर तीसरा आप लिखिए अवॉइडेबल फिक्स ओवरहेड्स, लिख लिया दोस्तों हमने तीसरा अवॉइडेबल फिक्स ओवरहेड्स, ओके, हाँ, फिर इसके बाद, हाँ बस नीचे लिखिए, ठीक है, इसके नीचे लिखिए, इन ऑल ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस फिक्स ओवरहेड्स आर रेलेवेंट, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस फिक्स ओवरहेड्स आर रेलेवेंट, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही फिक्स ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे, ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ ऐसे भ्रामक शब्द बताने वाला हूं जो कि आपको क्वेश्चन लिखकर देगा आपको भ्रमित करने के लिए, देखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलेगा फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज ₹5 पर आवर पेड,
फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज रुपीज 5 पर आवर पेड, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? इररेलेवेंट. रुपीज 5 फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज रुपीज 5 पर आवर वर्कड. हाँ, इररेलेवेंट. क्यों? पर आवर वर्कड है ना, पर वो फिक्स है. इज दैट क्लियर? मियर एब्जॉर्प्शन रेट, मियर वापस से, मियर एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑलवेज इररेलेवेंट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट है वो भाई, इनकरेंस रेट नहीं है. हम खर्चा फिक्स ओवरहेड्स का सामने वाले से, स्पेशल कस्टमर से तभी चार्ज करते जब वो उसकी वजह से इनकर हो रहा हो. अगर आप सिर्फ मियर एब्जॉर्प्शन रेट देख रहे हो तो मियर एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑलवेज इररेलेवेंट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट तो उन खर्चों के लिए होती है जिनका इनकर होना तय था पहले से ही. तो मियर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट. फिर वो भले ही आपको फिक्स रेट एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट दे दे, पर आवर दे दे, पर आवर वर्क दे दे, एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर दे दे, मतलब जमाने भर की एब्जॉर्प्शन रेट इज इररेलेवेंट. ठीक है, पहली तो ये टर्म होती है भ्रमित करने के लिए. तो आप तो एक काम कर लेना, कसम ही खा लेना कि अगर फिक्स ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट दे रखी तो बाय डिफॉल्ट वो इररेलेवेंट है. ठीक है, पहला. दूसरा, दो शब्दों में दोस्तों फर्क करना सीखे. एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स इज रुपीज 5000, ऐसा लिखा है क्वेश्चन ने, केस वन. एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स इज रुपीज 5000, केस वन. दूसरा, क्वेश्चन ने लिखा है कंपनी वुड एड अप फिक्स ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 5000 टू द ऑर्डर. कंपनी वुड एड रुपीज, कंपनी वुड एड फिक्स ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 5000 टू द ऑर्डर. कंपनी क्या करेगी, 5000 रुपए के ओवरहेड जोड़ेगी. किस पर? ऑर्डर पर. पहले केस में जब उन्होंने बोला था ना कि एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स आर 5000, तो ये रेलेवेंट थे या इररेलेवेंट थे? तो ये रेलेवेंट है क्योंकि एडिशनल है. लेकिन अगर अगर वो एडिशनल नहीं, वो सिर्फ एड कर रहे हो, तो एड करने को हम रेलेवेंट नहीं मानते, बिकॉज एड करना यानी अगेन एब्सॉर्ब करना, अगेन चार्ज करना. एडिशनल का मतलब होता है इनकर करना, और एड का मतलब होता है सिर्फ चार्ज करना. इज दैट क्लियर? हम तो ये भी जोड़ेंगे, है ना. ठीक है, ओके. मतलब मैं समझा, सेकंड वाले केस में रेलेवेंट होगा? नहीं, पहले में इररेलेवेंट है. पहला मतलब एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स, एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स तो रेलेवेंट है ना. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने लिखा एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स इज रुपीज 5000, मतलब क्या? रेलेवेंट. दूसरी लैंग्वेज ऐसा लिखी, कंपनी वुड एड फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 5000 टू द ऑर्डर. कंपनी वुड एड फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 5000 टू द ऑर्डर. तो एक बात बताओ, ये जो 5000 है, ये जो आप एड कर रहे हो, है ना, वो आपके इस ऑर्डर की वजह से लग रहे हैं? वेरी गुड. सिर्फ अलोकेशन हो रहा है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिर्फ कंपनी बोल रही है कि हम ऐड करेंगे. वो है ना, क्वेश्चन बोल रहा है आप मत ऐड कर देना एनालिसिस में, क्योंकि दो अलग अलग चीजें होती है. एक होती है ऑर्डर की कॉस्टिंग, और एक होता है ऑर्डर का डिसीजन लेना. अगर आप ऑर्डर की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आप फिक्स कॉस्ट भी जोड़ोगे, और मैं तो कहता हूं प्रॉफिट भी जोड़ोगे. और हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन लेते वक्त फिक्स खर्चे नहीं जोड़ते हैं, है ना. तो अगर कंपनी ऐड करेगी तो कंपनी को करने देना, वो उनका इंटरनल कॉस्टिंग का मैटर है. हम तो यहाँ पर डिसीजन लेने वाले, हमें अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं. तो अगर सिर्फ ऐसा लिखा ना, कंपनी वुड ऐड, इसका मतलब है कि कंपनी किसी उनकी कोई होगी प्रोसीजर जिसके तहत ऐड कर रही होगी. अच्छा, एक और लैंग्वेज में आपके सामने बोल रहा हूं, इट इज कंपनीज पॉलिसी, ध्यान से सुनना दोस्तों, इट इज कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज रुपीज 5000 एज फिक्स ओवरहेड्स टू द न्यू ऑर्डर. इट इज कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज रुपीज 5000 एज फिक्स ओवरहेड्स टू द न्यू ऑर्डर. इररेलेवेंट. इज दैट क्लियर? वो कंपनी की पॉलिसी है तो वो कंपनी जाने, पर हम तो ऑर्डर का डिसीजन लेते वक्त ये बोलेंगे भाई क्या ये लग रहा है क्या? नहीं नहीं, पर ये हमारी पॉलिसी. हम बोलेंगे पॉलिसी साइड में रखो, गलत पॉलिसी है. बिना बात ये खर्चा ऐड करने से ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा. यानी मान लो वो ऑर्डर 4000 का प्रॉफिट दे रहा और आपने पॉलिसी के चक्कर में 5000 की कॉस्ट जोड़ दी, तो नेट बेनिफिट -1000 दिखेगा. पर असली में -1000 नहीं, असली में तो 4000 आने ही वाले थे, क्योंकि 5 कौन से असली में लग रहे थे. इज दैट क्लियर? तो अगर वो आपको कंपनी की पॉलिसी का वास्ता भी दे देना तो भी आप भटकना मत,
इज दैट क्लियर? ओके, ये मैं लिखवा दूं सारी भ्रामक लैंग्वेजेस है ना. ओके, इन फॉलोइंग केसेस फिक्स ओवरहेड्स आर, इन फॉलोइंग केसेस फिक्स ओवरहेड्स आर, इन फॉलोइंग केसेस फिक्स ओवरहेड्स आर, क्या लिखना चाहिए, इन फॉलोइंग केसेस फिक्स ओवरहेड्स आर इररिलेवेंट है ना. तो सबसे पहला तो आप लिखिए any kind of fixed overhead absorption rate. क्या बड़ी बात बोल दी, any kind of fixed overhead absorption rate is always irrelevant, always any kind of fixed overhead absorption rate is always irrelevant. ठीक है, हाँ, नीचे आप लिखिए दूसरा पॉइंट बनाकर लिखिए एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स, और वर्सेस करके आप क्या लिखेंगे, फिक्स ओवरहेड्स एडेड टू द ऑर्डर एज अ मैटर ऑफ कंपनीज पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ कंपनीज पॉलिसी. भले ही कंपनी की पॉलिसी का भी आपको वास्ता दे दें, आप तो कहना हम तो कंपनी से भी बड़े. रेलेवेंट कॉस्टिंग है, रेलेवेंट कॉस्टिंग सबसे ऊंचा होता है. ओके, हाँ, तो एडिशनल फिक्स ओवरहेड्स अगर बोलेंगे तो वो रेलेवेंट होंगे है ना, पर अगर वो बोल रहे कि हम तो फिक्स ओवरहेड्स ऐड करेंगे, अरे बोलना क्या ऐड करो यार, ये होंगे रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ऐड करना मतलब चार्ज करना, चार्ज करना मतलब एब्जॉर्ब करना. तो हम बोलेंगे लग रहे हैं क्या आपके, लग रहे हैं तो बात करो, वो फिर नहीं, पर हमारी तो पॉलिसी चार्ज करने की, हम बोलेंगे वो आप करते रहना, पर अभी डिसीजन मेकिंग में तो वो काउंट नहीं होंगे. ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके. चलिए दोस्तों, ये हमने कौन सा वाला कॉन्सेप्ट कवर किया, विच इज रिलेटेड टू फिक्स ओवरहेड्स है ना. अब हम एक आखिरी कॉन्सेप्ट कवर करना चाह रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू रेलेवेंट मशीन कॉस्ट. चलो समझते हैं रेलेवेंट मशीन कॉस्ट का हम कॉन्सेप्ट समझें. रेलेवेंट मशीन कॉस्ट है ना. सबसे पहले तो समझते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट आखिर पिक्चर में कैसे है. तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का पिक्चर में आना तो स्वाभाविक था, आपने मटेरियल जोड़ लिया, क्योंकि सामने वाले का ऑर्डर ले रहे, मटेरियल लग रहा है, मटेरियल जोड़ लिया, लेबर जोड़ लिया, वेरिएबल ओवरहेड्स जोड़ लिया, फिक्स ओवरहेड्स जोड़ लिया. अब उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में जो हमें मशीन यूज करनी पड़ेगी उसका भी कुछ ना कुछ पैसा तो हमें उससे लेना ही पड़ेगा, राइट? ओके, है ना. तो किसी ने कहा कि सर हमें मशीन का डेप्रिसिएशन ले लेना चाहिए, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन ये रिफ्लेक्ट करता है कि मशीन की वैल्यू में कितनी गिरावट आई. मतलब डेप्रिसिएशन अपन ने 11 12 में ही तो पढ़ा था यार, डेप्रिसिएशन ये मेजर करता है कि आखिर उस चीज को यूटिलाइज यूज करने में, आखिर उस चीज की कीमत में कितनी गिरावट आई, उसे कौन रिकॉर्ड करता है, डेप्रिसिएशन है ना. तो वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है या अप्रोक्सीमेटली रिकॉर्ड करता है, अप्रोक्सीमेटली. तो मैं आपको एक एक्यूरेट तरीका बताता हूं, आप ये देखना कि उसके लिए ऑर्डर पर यूज करते वक्त, उसके लिए ऑर्डर पर यूज करने से ठीक पहले इस मशीन की वैल्यू क्या थी, और जब आपने उसका पूरा ऑर्डर प्रोसेस कर दिया तो इसके बाद इस मशीन की वैल्यू क्या हो गई. जितना फॉल इन मशीन की वैल्यू आए वो आप किससे रिकवर कर लेना, सामने वाले से रिकवर कर लेना. क्या वो मना कर सकता है, नहीं. अगर वो मना करे तो फिर हम उसके लिए मशीन यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अरे तुम्हारे लिए यूज कर, हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो हमको अब ये पैसा तुमसे चाहिए, राइट, है ना. ओके, तो दोस्तों मशीन की कॉस्ट में बजाय कि हम डेप्रिसिएशन ले सामने वाले से, उसकी बजाय हम उससे ज्यादा बेहतर मेजर ले रहे हैं जो सीधे ही बता रहे हैं कि मशीन की वैल्यू में कितनी गिरावट आई. क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक 10 साल का एवरेज लेकर और कुछ ऐसा करता है, राइट. हम तो उससे ज्यादा सटीक बात कर रहे हैं, एक्यूरेट बात कर रहे हैं ना. तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इररिलेवेंट.
And instead of depreciation, what we take into account is the fallen prices of machine, value of machine, है ना? और पता है क्या करा? इन जालिमों ने यहाँ पर भी दो तरह की मशीन डाल, जैसे मटेरियल दो तरह का हुआ करता था ना, वैसे इन लोगों ने बोला यार अब बच्चों के मजे कैसे लें, तो इन्होंने बोला चलो दो तरह की मशीन लेकर आते हैं, एक वो जो इन रेगुलर यूज हो और दूसरी वो जो कि नॉट इन रेगुलर यूज हो, है ना? मशीन इन रेगुलर यूज और दूसरा आ जाएगा मशीन नॉट इन रेगुलर यूज। चलो अपन मशीन नॉट इन रेगुलर यूज से बातें अपनी शुरू करते हैं। मशीन नॉट इन रेगुलर यूज से इनका तात्पर्य ये है कि मतलब ये मशीन ऐसे पड़ी हुई थी मशीन, अपना मन था कि बस अब इस मशीन से यार पड़ी हुई है मशीन क्या करें, गोडाउन की जगह खाली, हम इस मशीन को बस बेचने ही वाले थे। 80,000 में एक जने से फोन पर बात चली रही थी कि इतने में आना किसका हो गया, स्पेशल कस्टमर, उसने बोला वो मशीन जो इतने दिन से पड़ी हुई है वो मेरे ऑर्डर में आप यूज कर लेना। हमने कहा ठीक है यार आपके लिए यूज कर लेंगे। मान लो ऑर्डर 6 महीने चलेगा, हमने जिससे बात चल रही थी हमने उसको बोला अरे भाई साहब एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई, ये मशीन वैसे तो हमको आज बेचने वाले थे और हम हाँ बोले इससे पहले ही उधर से स्पेशल कस्टमर आ गया, अब वो स्पेशल कस्टमर के लिए हम 6 महीने यूज करेंगे मशीन और देखो हमारे तो वैसे भी काम की नहीं तो हम आपको 6 महीने बाद बेच देंगे। सामने वाला उखड़ गया, उसने कहा आज बेचते तो मैं आपको 80,000 रुपीज देता था, अब आप 6 महीने बाद दोगे वो के लिए यूज करके अपन आपको 50,000 रुपीज देंगे। हम बोलेंगे ठीक है यार आप 2 मिनट वेट करो, अपना तो कितने का नुकसान होने वाला है ऑर्डर के चक्कर में, 30,000। हम ऑर्डर को बोलेंगे ऑर्डर हम तुमसे 30,000 रुपए लेंगे मशीन के, क्या तुम देने को तैयार हो? अगर हाँ तो फिर हम उधर हाँ बोलते और अगर ना तो फिर हम तुमको ना बोलते और उधर हाँ बोलते, राइट? यानी अगर मशीन नॉट इन रेगुलर यूज हो तो आप स्पेशल कस्टमर से कितना चार्ज करोगे? द फॉलन रिप्लेसमेंट प्राइस या फिर द फॉलन रियलाइजेबल वैल्यू? द फॉलन रियलाइजेबल वैल्यू, राइट? ओके चल, क्योंकि वैसे भी अरे इसके रिप्लेसमेंट करने का तो सवाल ही नहीं, यही मशीन तो काम में नहीं आ रही, हम इससे ही परेशान है। तो फॉलन वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड यूज कर देता हूं मैं, फॉलन नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज रेलेवेंट मशीन कॉस्ट, फॉलन नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज रेलेवेंट मशीन कॉस्ट, है ना? नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो गिरावट आ जाएगी सो हमारे लिए क्या बन जाएगी? रेलेवेंट मशीन कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है? बोलो ओके। फॉल का मतलब ऑर्डर से पहले और ऑर्डर के बाद, है ना? ओके। क्या हुआ कि एक मशीन थी जो कि रेगुलर यूज में, मतलब कस्टमर आया और उसने चलती फिरती मशीन की ओर इशारा कर दिया कि मेरे लिए तो यही मशीन यूज होगी। हमने कहा पर ये मशीन महंगी है तो हमारे काम में आती है, उसने कहा पर मेरे ऑर्डर के लिए तो यही मशीन यूज होगी। हमने कहा देखो भाई साहब ये जो मशीन है ना, अच्छा इस मशीन को कितने में खरीद कर लेकर आए थे वो रेलेवेंट होगा क्या? नहीं, वो इररेलेवेंट होगा क्योंकि वो तो पास्ट कॉस्ट हो चुके। हम बोलेंगे देखो भाई साहब ये जिस मशीन की और आप इशारा कर रहे हो ना, ऐसी की ऐसी मशीन बाजार में 2 लाख रुपए की आती है। उन्होंने कहा ठीक है बराबर बात, हाँ तो आगे बोलो। तो हमने कहा अब अगर आपके लिए हम ये 6 महीने मशीन यूज करेंगे तो इस मशीन की वैल्यू में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉल तो होगा ही होगा, क्योंकि इस मशीन का जो वियर एंड टेयर होगा इसकी वजह से 6 महीने बाद इस मशीन की रिप्लेसमेंट प्राइस, यानी फिर 6 महीने बाद ये जिस हालात में होगी मशीन वैसी हालात की मशीन 6 महीने बाद 2 लाख में थोड़ी ना कम रुपए में मिलेगी। अरे अभी नई मशीन है 6 महीने यूज हो जाएगी, तो 6 महीने यूज होने के बाद वैसी की वैसी मशीन खरीदने जाओगे तो 2 लाख की थोड़ी ना, वो तो अच्छी क्वालिटी की मशीन आ रही 2 लाख, अच्छी मशीन जो यूज नहीं है। अब यूज हुई मशीन तो 2 लाख में थोड़ी ना मिलेगी, वो लेटेस्ट से मिलेगी 1,50,000 में। तो उन भाई साहब ने बोला तो इससे क्या? तो हमने कहा कि एक तरीके से हम आपके ऑर्डर के लिए लगाएंगे तो 2 लाख रुपए की मशीन, पर जब आपके ऑर्डर से चलकर आएगी तो ये कितने की रह जाएगी? 1,50,000। और ये हम रियलाइजेबल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मशीन हम आज खरीदे तो वो कितने की? 2 लाख की। और जिस हाल में ये मशीन हो जाएंगे
मशीन के जो हाल बेहाल हो जाएंगे 6 महीने बाद, तभी मशीन कितने की आएगी, 1,50,000 की, ऐसी कैसी मशीन, यानी हमारी तो बेचारी मशीन की वैल्यू कम हो गई 50,000। तो हम आपसे कितने लेंगे, 50,000, क्योंकि हमारा तो नुकसान हो रहा है 50,000 का। उन भाई साहब ने भी थोड़ा सा रिलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ रखा था, तो उन्होंने बोला था तो ये तो आप मेरे ऑर्डर पर नहीं यूज करते और किसी रेगुलर कस्टमर के लिए यूज करते तो भी होता। हमने कहा हाँ, तो उन्होंने बोला फिर तो ये रिलेवेंट हुआ। हमने कहा कैसे, उन्होंने बोला अगर इफ नो ऑर्डर तो भी ये कहीं और यूज होता और 2,00,000 से 1,50,000 इसकी वैल्यू होती। आप बोल मशीन इज रेगुलर यूज, तो तब भी ये 2,00,000 से 1,50,000 पर आता, और आप मेरे लिए यूज कर रहे हो तो भी 2,00,000 से 1,50,000 आता, तो इट इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट। हमने कहा आपने थोड़ी सही जगह से नहीं पढ़ा, अब आप समझो इसके पीछे कारण। वो जब हम किसी और के लिए नॉर्मल कस्टमर के लिए यूज करते और तब वैल्यू 2,00,000 से 1,50,000 होती, तो क्या हम उसको फ्री में छोड़ देते या उससे रिकवर करते? तो अब अगर आपके लिए ले रहे हैं तो किससे रिकवर करेंगे? आपसे रिकवर करेंगे। देयरफॉर फॉल इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलेवेंट। Why? Because ये regular use में तो ये अदरवाइज पैसा रिकवरेबल था, तो अब आपके लिए यूज करेंगे तो हमको आपसे चाहिए, राइट? ओके सर। यहां पर आ जाएगा फॉलन रिप्लेसमेंट प्राइस। इज रेलेवेंट मशीन कॉस्ट, ठीक है? ओके, है ना? और यहां पर नोट बनाकर देख लो कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज, है ना? यहां पर मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, आप नोट करो। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इररिलेवेंट। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इररिलेवेंट, क्यों यार? बिकॉज इट इज, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इररिलेवेंट बिकॉज इट इज, बिकॉज इट इज मियर अपोर्शनमेंट ऑफ, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इररिलेवेंट बिकॉज इट इज मियर अपोर्शनमेंट ऑफ, मियर MERE, बिकॉज इट इज मियर अपोर्शनमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, बिकॉज इट इज मियर अपोर्शनमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीन दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, बिकॉज इट इज मियर अपोर्शनमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीन दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। क्या जो मैंने लिखवाया वो आप समझ गए? क्योंकि जो अपन ने मशीन खरीदी थी ना पहले, है ना, ये तो उसका अपोर्शनमेंट है। मतलब देखना क्या हो रहा है, एक तो पहले ही पुरानी कॉस्ट जो लग चुकी है और उसका भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपोर्शनमेंट। क्या हम पुरानी कॉस्ट को रेलेवेंट मानते हैं? क्या हम अपोर्शनमेंट को रेलेवेंट मानते हैं? मतलब ये तो दो दो गई बीती कंडीशन हो गई, करेला और नीम चढ़ा। एक तो पुरानी कॉस्ट और ऊपर से भी क्या अपोर्शनमेंट। तो डेप्रिसिएशन तो जिंदगी में, इस जन्म में तो कभी रेलेवेंट कॉस्टिंग में रेलेवेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके, तो दोस्तों ये हमने सारे के सारे रेलेवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, है ना? अब वक्त आ गया कि हम क्वेश्चन करना शुरू करें, है ना? ओके चलो, आपको ब्रेक लेना है 5 मिनट का, फिर क्वेश्चन शुरू करें या चलने दें? ब्रेक लेना, जैसे आपके 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है?
चलिए गाइस वेलकम बैक। तो हम आते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग पर। रेलेवेंट कॉस्टिंग में दोस्तों हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके, कुछ डाउट पूछने चाह रहे हैं। सर रेलेवेंट मशीन कॉस्ट जो हमने अभी निकाला, सर उसमें की फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर उसमें की फैक्टर का कॉन्सेप्ट आए तो फिर आप वहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कवर करोगे, और अगर मशीन से रिलेटेड कुछ खर्चे हो रहे होंगे तो वो भी आप रिकवर करोगे, यानी सेम कॉन्सेप्ट एज लेबर। लेकिन इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है वाला, है ना, तो अपन ने एड्रेस नहीं करा, राइट, ओके, है ना। चलिए तो हमारे दोस्तों नोट्स पर आ जाइए आप, रेलेवेंट कॉस्टिंग पर क्वेश्चन पर आ जाइए आप। आपको सबसे पहला क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट वाले एग्जाम्पल सारे मैंने आपके भरोसे छोड़े हुए, जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कवर कर देते हैं ना। कल अपन इन सबके आंसर्स टैली कर रहे हैं ना, कर लोगे यार, मन लगाकर पढ़ाई कर लोगे, देखो पास होना है अपने को, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक के जो कॉन्सेप्ट है वो आप कर लेना, लिखकर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तो कैलकुलेटर पर कर लेना, आंसर निकाल लेना लिखकर। तो अपन ये मेन क्वेश्चन करेंगे, राइट, क्योंकि एग्जाम में तो वही आने वाले। ओके सो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर, हमारे हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 होगा, देखो आप, है ना। ओके ये क्रैश बैच के नोट्स मेन बैच से थोड़े अलग है, मतलब मैंने इसमें जो लो लेवल क्वेश्चन थे ना, जैसे फर्जी टाइप से थे, वो सारे हटा दिए, मतलब बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है हमारे इसमें, राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। एस लिमिटेड एंगेज्ड इन, मतलब खैर आपको ये देखकर नहीं लगेगा कि ये क्रैश बैच के नोट्स हैं, और ये जो किताब है ये सिर्फ पहली किताब है इसी साइज की, एक और दूसरी किताब भी, यानी मेन बैच के अप्रोक्सीमेटली 75% क्वेश्चन है हमारे इसमें, पर वो अच्छे लेवल वाले लिए मैंने, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए दोस्तों। एस लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, एस लिमिटेड वाले दोस्तों ये लोगों का क्या कामकाज है, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है क्या। ओके इट हैज रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ इट्स इंपोर्टेंट कस्टमर टू सप्लाई अ प्रोडक्ट व्हिच विल रिक्वायर कन्वर्जन ऑफ मटेरियल एम व्हिच इज अ नॉन मूविंग आइटम। दोस्तों हम है कौन, एस लिमिटेड वाले, और हम एंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में, और हमें हमारे एक इंपॉर्टेंट कस्टमर से एक रिक्वेस्ट मिली है, वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसके लिए कन्वर्जन कर दें, ऐसा कौन से मटेरियल का कन्वर्जन कर दें, मटेरियल एम का हम कन्वर्जन कर दें, एंड मटेरियल एम इज अ नॉन मूविंग आइटम। नॉन मूविंग आइटम यानी कि रेगुलर या नॉट इन रेगुलर, इज नॉट इन रेगुलर। दोस्तों नॉन मूविंग आइटम को लेकर हमारे पास ऑप्शन ही क्या था कि हम इसको रीसेल करने वाले थे, अब हम बोलेंगे चलो ठीक है कस्टमर एक काम करो तुम्हारे लिए यूज कर लेते, हमको बेचकर जो पैसे आ रहे थे वो एक काम करना तुम दे देना, राइट। ओके द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल एम कितने रुपीज है, 60 रुपीज। दोस्तों ये वो नंबर है जो जिंदगी में कभी काम में नहीं आएगा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये बीता हुआ कल है। रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 80, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है, 100। अल्टीमेटली क्या काम का नंबर है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 80 रुपीज, क्योंकि हम अदरवाइज मटेरियल एम को कस्टमर के लिए नहीं यूज करते तो बेचते 80 रुपीज आते, हम कस्टमर से बोलेंगे तुम हमारी जेब में 80 रुपीज रख देना। ओके इट इज एस्टिमेटेड दैट कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एम इंटू 1 यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट विल रिक्वायर 1 लेबर आवर। सब इनकी जिंदगी में 1-1 है, तो 1 यूनिट ऑफ एम बनाने के लिए नहीं, 1 यूनिट ऑफ एम लगेगा 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, और बनाने में कितना, 1 घंटा लगेगा इनको। ओके एट प्रेजेंट लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर आवर। लेबर को दोस्तों हाल फिलहाल ₹20 पर आवर का हम पेमेंट दे रहे हैं। ओके अदर कॉस्ट आ रहे हैं फॉलोस, और इन्होंने हमें कुछ अदर कॉस्ट दे रखी, जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 30 पर यूनिट, है ना, और एलोकेटेड ओवरहेड्स कितना दे रखा है, 10 पर यूनिट। द लेबर विल बी रिडिप्लॉयड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, ये जो दोस्तों उपरोक्त लेबर है ना ये हम किसी दूसरी एक्टिविटी से उठाकर लेकर आएंगे। अरे यार अगर आप किसी दूसरी एक्टिविटी से लेबर उठाकर लेकर आ रहे हो तो अब यहाँ पर 2 बातें हो सकती है, या तो वो एक्टिविटी अब बंद हो जाएगी, अगर वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो हम जो उधर अदरवाइज कमाते थे वो हम किससे रिकवर करेंगे, इससे रिकवर करेंगे, ये मानते हुए कि अरे लेबर इज ए की फैक्टर, उसको उधर से इधर लाए, हमारा उधर काम बंद हो गया, राइट, तो उधर का तो अपॉर्चुनिटी लॉस रिकवर करेंगे, प्लस साथ ही साथ लेबर की भी कॉस्ट रिकवर करेंगे, क्योंकि वहां पर लेबर का खर्चा निकलने के बाद उतना कमा रहे थे, तो सिर्फ कमाई चार्ज नहीं करेंगे, अगर सिर्फ कमाई चार्ज करी तो लेबर को जेब से देने पड़ जाएंगे, तो लेबर का भी चार्ज करेंगे, अपनी कमाई भी चार्ज करेंगे, ये दोनों हम चार्ज करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर आप किसी दूसरी एक्टिविटी से उठाकर ला रहे हो ना, तो आप उस एक्टिविटी को करने के लिए आप कहीं और से वर्कर ला रहे हो, तो उसको जो कहीं और वाले को जो आप पे करोगे न्यू वर्कर को, वो आप रेलेवेंट लेबर कॉस्ट चार्ज करोगे, क्योंकि देखो आपका कंट्री का तो लॉस हो ही नहीं रहा है,
क्वांटिटी तो आपको मिल ही रहा है, बस एक आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट लग रहा है लेबर का, तो वो आप सामने वालों से चार्ज कर लोगे, है ना। ओके चलो देखते हैं ना इन्होंने आगे क्या लिखा है। द लेबर विल बी रीडिप्लॉयड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। इट इज एस्टिमेटेड दैट द टेम्पररी रीडिप्लॉयमेंट विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ओहो, जब हम उसको उधर से इधर लाएंगे तो वहां पर हमें एज सच कोई लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी शायद ऐसा होगा कि हम बोलेंगे चलो यार दो दिन काम नहीं करेंगे, बाद में दो दिन बाद काम करके आपका ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। यानी एज सच क्या टेम्पररी रीडिप्लॉयमेंट की वजह से वहां कोई लॉस हो रहा है? नहीं। यानी क्या हम अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवर नहीं करेंगे? इज दैट क्लियर? ओके। द एम्प्लॉइज टू बी रीडिप्लॉयड आर परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ओ मतलब क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी है तो इनका पेमेंट तो फिर यू भी जाना था और यू भी जाएगा। यानी एक तरीके से लेबर इज इररिलेवेंट। यानी धीरे से पहले उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन हटाया, बाद में उन्होंने बोला ये लेबर भी परमानेंट है, आप चिंता मत करो, आप उनको उधर यूज कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, इधर भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, एंड दिस आर परमानेंट एम्प्लॉय, तो इनकी सैलरी यू भी जा रही थी और यू भी जाएगी। ठीक है, ओके। एस्टिमेट दी मिनिमम प्राइस। अरे वो अपना पहला क्वेश्चन ही क्या है, इवेल्यूएशन है मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। तो बस कोई बात नहीं, आपको तो रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी, जो रेलेवेंट कॉस्ट होती वो ही मिनिमम प्राइस होती। एस्टिमेट द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर सो दैट द कंपनी इज नॉट वर्स ऑफ बाय एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अगर ये इतना जोर देकर नहीं बोलता ना मैं, और सिर्फ मिनिमम प्राइस ही कैलकुलेट करने का बोलते तो भी हम वही करते जो इन्होंने कहानी बनाकर पूछा है। ठीक है, ओके। तो मैंने एक काम करें, जोड़े जरा, पहले इसको अपन कैलकुलेटर पर करते हैं, फिर अपन इसको इसलिए लिखकर करेंगे, थोड़ा फील आ जाए कि यार एग्जाम में रिलेवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चन का आखिर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ओके, तो हाँ मटेरियल के नाम पर तो कितना रिकवर करना है सामने वाले से, 80 रुपीज, है ना, ये हमने डिसाइड कर लिया था। ओके, क्या दोस्तों लेबर के लिए एक भी रुपया रिकवर करना है? नहीं, क्योंकि हम बता देंगे सिंस देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दी वर्कर्स आर दी परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी सो देयर पेमेंट इज इररिलेवेंट। और यार ये बताओ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 30 रुपीज, ये बताओ ये रेलेवेंट है? क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट मतलब हमारी जेब से ये खर्चा लगेगा, लगेगा तो फिर सामने वाले से लेना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ अलोकेटेड ओवरहेड्स इररिलेवेंट, वो अपोर्शन बोल दे, अलोकेटेड बोल दे, असाइंड बोल दे, सब इररिलेवेंट माना जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इररिलेवेंट। यानी आंसर कितना आ गया, 110, 110 रुपए आ गया हमारा आंसर, राइट? ओके, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिखकर करवा रहा हूं ताकि एक बार हम प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट डिस्कस कर ले। ओके, प्रेजेंटेशन का दोस्तों मैं फॉर्मेट बताता हूं, देखना कैसे करेंगे। सबसे पहला कॉलम तो आएगा जिसमें हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में हम वो लिस्ट बना लेंगे कि यार कि हम कौन कौन सी मटेरियल की कॉस्ट, लेबर, आउट ऑफ पॉकेट, अलोकेटेड और जो जो भी सारे लिस्ट आइटम्स आ रहे होंगे ना, हेड्स आ रहे होंगे कि यार हमको इसमें चीज लेनी है। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर के बाद आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। उस कॉलम का नाम होता है रेलेवेंसी एंड रीजन। यानी ये पर्टिकुलर आइटम क्या रेलेवेंट है? अच्छा हाँ रेलेवेंट है, तो आखिर ये रेलेवेंट क्यों है, राइट? कारणों सहित बताना पड़ता है। और अगर इररिलेवेंट है तो आखिर ये इररिलेवेंट क्यों है ना, यानी हम यहाँ आइटम लिखते हैं, यहाँ पर उसका रेलेवेंसी एंड रीजन लिख देते, राइट? बस इतना एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अगर कोई सा क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कैलकुलेशंस भी करने हो तो कंप्यूटेशन का कॉलम बनाना, फिर अमाउंट का बनाना। पर क्या इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशंस जैसा है क्या? सीधा सीधा ही दे रखा है, राइट? तो इसमें सीधे ही कौन सा कॉलम बनाएंगे, अमाउंट। हाँ यही मान लो कि 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर होता और 4 किलो लग रहा होता मटेरियल और ऐसा वैसा, तो हम कंप्यूटेशन का भी कॉलम बनाते, राइट? यानी हमारे बिल्कुल फिक्स 4 कॉलम होते हैं, एक तो पार्टिकुलर्स का, दूसरा रेलिवेंसी एंड रीजन का, तीसरा कंप्यूटेशन का विच इज ऑप्शनल, और चौथा अमाउंट का। बस ऐसे 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 करके अपन टेबुलर प्रेजेंटेशन कर देते और नीचे जब अपन टोटल लगाते तो वो क्या आ जाती है, हमारी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है, चलो आओ यार इसको करते हैं, अपन लिख कर करते हैं एक बार। हम यहां पर कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ, या तो आप लिख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, या फिर आप लिख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, एक ही बात है। मिनिमम प्राइस और रेलेवेंट कॉस्ट में कोई फर्क बताओ यार मुझे। ओके, है ना, इस बार हम कौन कौन से कॉलम बना रहे, एक तो हम बना रहे पर्टिकुलर्स, है ना, फिर हम बना रहे रेलिवेंसी एंड रीजन। ठीक है, रेलिवेंसी एंड रीजन। हो सकता है कि आपने इससे कुछ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन देखा हो सकता है, मुझे पता नहीं,
ठीक है ओके है ना। हाँ जी लेना शुरू करते हैं ना अपन। सबसे पहले जैसे किसकी बात कर लेंगे हम, कौन सा मेटेरियल बोला इन्होंने, मेटेरियल एम बोला है ना। ओके तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेटेरियल एम। ठीक है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मेटेरियल एम। हाँ तो क्या कहना आपका, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? रेलेवेंट है ना। तो हम देखना यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट इज, रेलेवेंट कॉस्ट इज करेंट, लिखना पड़ेगा ना कि क्या रेलेवेंट कॉस्ट है, करंट रियलाइजेबल या करंट रिप्लेसमेंट, करंट रियलाइजेबल वैल्यू। क्यों यार, सिंस मटेरियल इज नॉट एन रेगुलर यूज, सिंस मटेरियल इज नॉट एन रेगुलर यूज। ठीक है ओके। और अब आप चाहो तो यहां पर एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो कि बुक वैल्यू बींग हिस्टोरिकल इन नेचर इज इररेलेवेंट, इज संक कॉस्ट, राइट ओके है ना। बुक वैल्यू बींग हिस्टोरिकल इन नेचर, बींग हिस्टोरिकल या फिर बींग संक कॉस्ट इज इररेलेवेंट, राइट। ओके और पता है अमाउंट के कॉलम में सिंबल ना लिख देंगे, 80 रुपीज। ठीक है चलो ओके। हाँ अगला अपन क्या उठा लेंगे, अच्छा लेबर लिखे या नहीं लिखे, लिखना पड़ेगा है ना, लिख के पर हम उसे रिलेवेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ओके चलो लिखो यार लेबर है ना। और यहां पर हम लिखेंगे इररेलेवेंट कॉस्ट, सिंस देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, पहला तो वो कारण बना था, सिंस देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो या फिर एज वेल एज करके भी उस सेंटेंस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑल्सो लेबर आर परमानेंट एम्प्लॉयज, तो अल्टीमेटली ये इररेलेवेंट है क्योंकि उसका पैसा भी यूं भी जा रहा था और उससे कोई अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा था। ठीक है ओके इसके बाद हम क्या लिख देंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक है हाँ इसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट है ना। अब इसको रेलेवेंट कॉस्ट डिक्लेयर करने के बहाने, आप उन कई सारे बहानों में से कोई सा भी एक बहाना लिख देना, सारे ही वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखना क्या क्या लिख सकते हो, रेलेवेंट कॉस्ट बींग एडिशनल इन नेचर, रेलेवेंट कॉस्ट बींग इंक्रीमेंटल इन नेचर, रेलेवेंट कॉस्ट बींग आउटफ्लो इनकर्ड, रेलेवेंट कॉस्ट बींग अमाउंट टू बी स्पेंट, ऐसे सारे वर्ड आपने कभी सुनेंगे, अमाउंट टू बी स्पेंट, बींग आउटफ्लो इनकर्ड, आप इन सब में से कोई सा भी वर्ड लिख दो, सारे इक्वली वैलिड है, सबके मतलब भी एक ही है, बस नाम अलग है। रेलेवेंट कॉस्ट बींग अमाउंट टू बी स्पेंट ऐसा लिख दो अगर आपको ये जमता है और इसकी आदत है तो, या फिर आप लिख दो बींग आउटफ्लो इनकर्ड, आउटफ्लो टू बी इनकर्ड, या फिर आप लिख सकते हो बींग एडिशनल इन नेचर, वो भी एक इक्वली वैलिड टर्म है, या फिर आप लिख सकते हो बींग इंक्रीमेंटल इन नेचर है ना। इन चारों में से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं ना, बस चारों मत यूज कर लेना हवाबाजी के हिसाब से, कोई सा एक यूज कर लेना। हाँ आपने कौन सा वर्ड पढ़ा हुआ है या आपको ये पता है चारों ही है, अमाउंट टू बी स्पेंट है ओके है ठीक है, कुछ भी कर सकते आप, सब इक्वल वैलिड। हाँ कितने रुपीज है, 30 रुपीज। ठीक है अच्छा इसके अलावा और कुछ है क्या, और यहाँ वो भी तो है अभी एलोकेटेड, भले ही रेलेवेंट है पर उसका जिक्र तो करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पर आप लिखिए एलोकेटेड ओवरहेड्स, तो अपन यहां पर क्या बोल देंगे है ना, मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, आप कीजिए इररेलेवेंट कॉस्ट बींग इररेलेवेंट कॉस्ट सिंस, ऐसा लिखना इररेलेवेंट कॉस्ट सिंस मियर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट कॉस्ट सिंस मियर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज, सिंस मियर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज, सिंस मियर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट। ठीक है इसमें आप एक दूसरा कारण भी लिख सकते थे, वो भी चलता, इररेलेवेंट कॉस्ट
since not specifically incurred for the order, not specifically incurred for the order, ये order specifically incur नहीं हो रही, ऐसा भी आप कारण लिख सकते थे, ये भी equally good कारण है, ठीक है? Okay बस, चलो, नीचे आप total लगा दो यार, है ना? Total कितना लगा रहे हैं आप? 110, है ना? और इस 110 के सामने, इस 110 के सामने क्या लिख दोगे? Minimum price, ठीक है? या तो relevant cost लिख दो, या फिर minimum price लिख दो, है ना? Interchangeable terms है वो तो. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में मर्जी चाहे जो डाउट हो वो पूछ लो, इस क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में मर्जी चाहे जो डाउट हो वो पूछ लो. ठीक है, क्लियर है, चलने दे फिर. ओके, सो अब हमारे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर पधारिए. पिक एंड सेव लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सिन्हा टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर रुपीज 1800 ऑल इंक्लूसिव. दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर पर करेंगे. पिक एंड सेव नाम की एक कंपनी जिनको ऑर्डर मिला है किनसे, सिन्हा साहब से, है ना? कितने रुपए में करना पड़ेगा? 1800. यानी दोस्तों एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चन है आपसे मिनिमम सेलिंग प्राइस पूछेगा या इवेल्युएशन ऑफ द ऑर्डर? इवेल्युएशन, क्योंकि सिन्हा साहब कितने रुपए देने वाले? 1800. यानी हमें रेलिवेंट रेवेन्यू ही पता चल गया, तो अब हम इसके अगेंस्ट में कंपेयर कर लेंगे रेलिवेंट कॉस्ट को. ओके, द ऑर्डर रिक्वायर्स द फॉलोइंग मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा. तो दोस्तों दो प्रकार के मटेरियल, कौन कौन से? ए और बी लग रहे हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट दे रही क्या 100 kg और 300 kg, है ना? अच्छा, मेटेरियल ए स्टॉक में कितना रखा हुआ है? 50 kg. तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है क्या? हाँ, इससे डिसाइड होता है कि वो मेटेरियल ऑलरेडी इन स्टॉक है या फिर टू बी परचेज है, राइट? ओके, और अच्छा बुक वैल्यू, ये वो नंबर है जो सबसे फर्जी है, किसी काम का नहीं, इसको पढ़ते से ही काट देना चाहिए. रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू. ओके, लेबर डिपार्टमेंट वन से दोस्तों कितने आवर्स का लेबर लगेगा? 10 आवर्स. और अपन उनको कितना पेमेंट करेंगे? 15 rupees पर आवर, है ना? पर सर पर आवर तो कहीं लिखा ही नहीं है. और डिपार्टमेंट टू के दोस्तों कितने आवर्स हैं? 8 आवर्स. उनको पेमेंट कितना करेंगे? ₹12. हाँ, तो ये पर आवर है या ये 8 घंटे के लिए 12 रुपए पर आवर है ना? नहीं दिया तो भी वो जो लेबर की रेट, अगर कोई बोल रहा है लेबर रेट इज ₹12, तो बाय डिफॉल्ट लेबर रेट इज ₹12 पर आवर. ओके, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने रुपीज के लग रहे हैं? 150. ओके, अच्छा मान लो बस क्वेश्चन इतना ही लिखकर छोड़ दे कि वेरिएबल ओवरहेड 150 rupees, और क्वेश्चन साइलेंट, यानी क्वेश्चन ने आगे जाकर कुछ बोला ही नहीं वेरिएबल ओवरहेड्स का, तो फिर अभी ये 150 rupees की वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे या इररेलेवेंट होंगे? रेलेवेंट होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि वो रेलेवेंट होते हैं, और फिक्स ओवरहेड्स का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि वो इररेलेवेंट. यही अगर फिक्स ओवरहेड्स लिखकर ₹150 लिखकर छोड़ देते ना, तो फिर बाय डिफॉल्ट वो इररेलेवेंट होता है. ऐसा होता है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स आर बाय डिफॉल्ट, यानी कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट दिस आर रेलेवेंट बिकॉज दिस आर वेरिएबल, और फिक्स ओवरहेड्स बाय डिफॉल्ट इररेलेवेंट है. ठीक है, ओके. मटेरियल ए इज वन दैट इज रेगुलरली यूज बाय द कंपनी एंड इफ यूज ऑन दिस ऑर्डर हैज टू बी रिप्लेस बाय फॉर अदर ऑर्डर. अच्छा, मेटेरियल ए दोस्तों कैसा है इन रेगुलर यूज, है ना? वैसे मेटेरियल ए के कितने केजी लग रहे थे? 100 kg. उसमें से कितने स्टॉक में रखे हुए? 50 kg. यानी एक बात तो तय रही कि बचे हुए 50 तो पक्का बाबा खरीद के लाने पड़ेंगे, यानी उन 50 kg के लिए तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ₹7 रेलेवेंट है. खैर इन अरे हाँ, यहाँ पर तो जो रखे हुए 50 है ना, उसके लिए भी 7 ही. ऐसा इसलिए क्योंकि रखे हुए 50 यूज कर लोगे तो वो 50 भी रिप्लानिश करके लाने पड़ेंगे, यानी देखा जाए तो पूरे ही 100 kg के लिए ₹7, ₹7 रेलेवेंट है. ठीक है, ओके. मेटेरियल बी हैज नो यूज एंड इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव परचेसेस मेड फॉर एन ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 2 years ago. 2 साल पहले आपने कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, तब आपने खूब उधम मचाई, ज्यादा खरीद लिया, अब भुगत रहे हो, पड़ा हुआ है आपके पास ही, है ना? तो मेटेरियल बी के लिए दोस्तों रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? रियलाइजेबल वैल्यू. जरा आप मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ मेटेरियल बी का कितना आता है? 300 नहीं आ रहा है क्या? 620 आ रहा है क्या? 620 आ रहा है ना? क्योंकि यहां पर वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पूरा 300 kg के लिए ₹1 रेलेवेंट नहीं है ना, 300 में से जो रखा हुआ है ना 140, उसके लिए ₹1 रेलेवेंट है कि वो 140, अदरवाइज हम बेचते एक रुपए, और बचा हुआ 160 के लिए तो आज भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ₹3 ही रेलेवेंट है, राइट? तो आपने 160 kg को 3 से मल्टीप्लाई किया,
और आपने 140 केजी को 1 से किया तो करेक्ट आंसर है 620, ठीक है, मटेरियल बी के लिए, है ना। बोलो यार क्या डाउट है, क्लियर है, ओके। लेबर एंड डिपार्टमेंट वन, दोस्तों लेबर में आना यार, लेबर को लेकर मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहा है। लेबर एंड डिपार्टमेंट वन इज अवेलेबल फॉर दिस ऑर्डर, बट लेबर एंड डिपार्टमेंट टू इज फुली एंगेज ऑन अनदर ऑर्डर विच इज अर्निंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹20 पर और। अच्छा मतलब लेबर वन तो समझ में आया नहीं है, लेकिन लेबर टू समझ में आ गया कि लेबर टू इज अ की फैक्टर बिकॉज इट इज फुली एंगेज ऑन अनदर ऑर्डर विच इज अर्निंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹20 पर आवर। इफ ऑर्डर फ्रॉम सिन्हा इज टू बी एग्जीक्यूटेड, लेबर एंड डिपार्टमेंट टू हैज टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम करंट ऑपरेशन, यानी अगर सिन्हा साहब का हमने ऑर्डर लिया तो हमें डिपार्टमेंट टू के लेबर को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान होगा। कितने रुपीज पर आवर का? ₹20 पर आवर का। तो एक बात बताना दोस्तों, सिर्फ ₹20 पर आवर ही रिकवर करेंगे या वो भी प्लस लेबर की कॉस्ट भी? लेबर, क्योंकि 20 तो हम तब कमाते थे जब लेबर का खर्चा निकाल लेते थे, तो अब लेबर को अगर किसी और के लिए लगा रहे हैं तो लेबर का खर्चा तो लेना ही पड़ेगा, प्लस हमारा भी पैसा लेना पड़ेगा ना। डिपार्टमेंट टू को लेकर तो मैं क्लियर हूं, मुझे पोजीशन पता है किसको लेकर क्लियर नहीं है, डिपार्टमेंट वन। यानी डिपार्टमेंट वन में मेरे पास दो ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो अपन डिपार्टमेंट वन के लिए फिर सिंपल वो जो उन्होंने बोला ना 10 hours into ₹15 वो ले लो, और दूसरा ये मान लो कि नहीं वो आइडल है तो फिर इररिलेवेंट हो जाएगा। आइडल है क्या? इज अवेलेबल फॉर दिस ऑर्डर मतलब आइडल है ऐसा, इररिलेवेंट है ऐसा नहीं, इज अवेलेबल। हाँ नहीं, अवेलेबल के दो मीनिंग आते हैं। अवेलेबल का एक ये मीनिंग है कि हाँ आप बोलोगे अपन काम कर देंगे लेकिन पैसे लगेंगे, यानी कि वो मतलब हाँ एक मिनट, इसके दो इंटरप्रिटेशन, या तो वो नॉर्मली एंगेज है पर अगर ऑर्डर आया तो दिस आर अवेलेबल फॉर वर्क, आपके लिए काम कर देंगे, हाँ ओके, पहला ये। और दूसरा ये कि अरे फालतू ही बैठे हैं इसलिए अवेलेबल है, तो ये कौन सा वाले अवेलेबल है? मतलब ये इनका काम काज चल रहा है और ये बोल रहे चलो आएगा तो वो भी कर देंगे, और या फिर ये फालतू बैठे वाले अवेलेबल है? फर्स्ट वाले अवेलेबल है, नॉर्मली एंगेज है और अपना काम आएगा तो कर देंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट होगी या इररिलेवेंट होगी? ऐसा है तो फिर लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट होगी, है ना। इनकेस अगर ये फालतू बैठे हुए वाले हैं तो फिर तो ये इररिलेवेंट होगी। सोचना सिर्फ क्या है कि ये कौन से वाले अवेलेबल है, यानी नॉर्मली एंगेज है और हमारे लिए अवेलेबल है, या ये तो आइडल ही है और हमारे लिए अवेलेबल है। आइडल है ऐसा, पर नहीं, पर एक बात नहीं है ना, आप समझ रहे हो, जैसा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे उससे सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आइडल है तो इररिलेवेंट है और अगर नॉर्मली अवेलेबल है तो फिर तो रेलेवेंट है, यानी नॉर्मली अवेलेबल है तो उनका काम चल रहा है, आपके लिए काम करेंगे तो आपके लिए जो घंटे लगेंगे उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। हाँ यार बोलो, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है रेलेवेंट है रेलेवेंट है, या तो पहले आपको समझ में आ रहा था मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, मेरा तो काम ही यही है। हाँ आइडल ऐसा, आइडल ऐसा इज अवेलेबल फॉर दिस ऑर्डर, हाँ आइडल मान सकते हैं, रेलेवेंट भी तो मान सकते हैं ना, नहीं आंसर तो अलग अलग आ जाएगा ना, जो आप अलग अलग मानोगे इससे आंसर, तो इसमें एग्जाम में अगर आता है तो हम कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं, नहीं एग्जाम में मान के चलना कि 10 में से 9 केस में तो उनके पास एक ही इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है जो उनको पता है और एक आधी केस में अजम्पशन अजम्पशन लगता है ना, 10 में से 9 केस जिसमें अपने को लगता है ना अजम्पशन ले लेंगे, उसमें से 10 में से 9 तो वो होते हैं जिसमें अजम्पशन लगता ही नहीं, वो तो अपने को इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने को क्लियर नहीं हो रहा है। इस ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, बाकी वो आइडल नहीं है। अच्छा तो अगर वो आइडल नहीं मतलब वो कहीं और तो एंगेज है, पर उनका कहना है कि इस ऑर्डर के लिए आ जाएंगे, पर आ जाएंगे तो पैसे तो लगेंगे फिर, क्योंकि इतने आर्ड्स के, है ना, मतलब रेलेवेंट लेना पड़ेगा। मतलब क्लास दो भागों में डिवाइडेड है, एक जो कह रहे हैं कि नहीं दे आर नॉट आइडल, दे आर नॉर्मली ऑक्यूपाइड बट दे आर अवेलेबल, तो आ जाएंगे, है ना।
चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं आप, क्योंकि यार इन दोनों में से जो आप बोल रहे हैं उसमें से एक लिखा हुआ है उनके पास इंस्टीट्यूट के पास, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन, नहीं एग्जाम का नहीं, जहां तक मुझे ध्यान है एग्जाम का ही क्वेश्चन, इसमें नाम थोड़ा बदल कर लिखा हुआ है। चलो देखते हैं एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ क्लैरिटी आ जाए। लेबर एंड डिपार्टमेंट वन इज अवेलेबल फॉर दिस ऑर्डर, बट लेबर एंड डिपार्टमेंट टू इज फुली एंगेज ऑन अनदर ऑर्डर विच इज अर्निंग कॉन्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट टू वाला तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि वो की फैक्टर है, तो उसका तो अपन ने कर भी दिया। डिपार्टमेंट वन का समझ में नहीं आ रहा, तो डिपार्टमेंट टू का ही दूसरी बार भी कर देते। चलो फिर से एक बार फिर से, लेबर एंड डिपार्टमेंट वन इज अवेलेबल फॉर दिस ऑर्डर बट, इसको अंडरलाइन करो आप, इस बट वर्ड को आप अंडरलाइन करो और पहले मुझे समझाओ कि ये बट वर्ड कहां किस सेंटेंस में यूज होता है। उस सेंटेंस में यूज होता है जहां पर पहली जो सिचुएशन है उसी के कंटिन्यूएशन में, यानी वैसी ही दूसरी सिचुएशन है या उसकी विपरीत दूसरी सिचुएशन है ना। बट वर्ड इज यूज व्हेन दी सिचुएशंस आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि आई एम फेल इन एग्जाम बट आई हैव, मतलब बट मतलब मैं अच्छी बात ही करने वाला हूं क्योंकि मैंने बुरी बात पहले कर ली, तो बट वर्ड हमेशा कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है। आई हैव फेल्ड इन एग्जाम बट, पर जैसे ही मैंने बोला उम्मीद की किरण जागी और अब कुछ तो अच्छा हुआ, बट आई हैव स्कोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कुछ अपोजिट हुआ, तो बट वर्ड हमेशा अपोजिट को बताता है। अब देखना इस बैकग्राउंड के साथ पढ़ते हैं हम, लेबर एंड डिपार्टमेंट वन इज अवेलेबल फॉर दिस ऑर्डर बट लेबर एंड डिपार्टमेंट टू इज फुली एंगेज्ड, बट लेबर एंड डिपार्टमेंट टू इज फुली एंगेज, मतलब वो फुली एंगेज है, मतलब ये लोग फुली एंगेज नहीं है, मतलब ये आइडल है। देखो सेकेंड डिपार्टमेंट में मान लो 1000 आवर्स है तो पूरे 1000 आवर्स लगे हुए, और बट वर्ड के साथ बोल रहे हैं दे आर फुली एंगेज, वट डज इट इम्प्लाई कि पहले वाले आर नॉट फुली एंगेज, मतलब पहले वाले आर आइडल। तो दोस्तों लेबर आइडल है इसलिए इररिलेवेंट है, ठीक है। हाँ बोलो यार, नहीं मैं समझा ही नहीं है तुम्हारे, तुम क्या कहना चाह रहे हो। रेलेवेंट इनकम 1800, ये कैसा है 1800? अच्छा वो 1800 इनकम क्वेश्चन ने दिया है। हाँ नहीं 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 एक मिनट, 1800 रुपीज जो रेलेवेंट रेवेन्यू उसका और सेंटेंस का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। दो मिनट के लिए काम करो, 1800 रुपीज वाला वो रेलेवेंट रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन ही हटा दो, पर उससे इसमें कोई उसका और इसका कोई कनेक्शन ही नहीं। हाँ नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता। सर मैं तो देख रही थी कि जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम आए वो ले लो। अरे नहीं नहीं अरे गजब हो जाएगा फिर, ऐसे तो आप दो चार रेलेवेंट कॉस्ट ही उठा दो, उड़ा दोगे उसका नेट बेनिफिट पॉजिटिव करने के लिए। नहीं नहीं है ना, यहाँ पर वो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कि आपको सच्चा इवेल्युएशन करना है, फिर पॉजिटिव आए तो एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव आए तो रिजेक्ट करना है, राइट। ये अपने हाथ में थोड़ी ना है कि हम इसको हटा दो और ऑर्डर को प्रॉफिटेबल बना दो, राइट। बिकॉज ये यू आर गिवन सम सिचुएशन, आप सिचुएशन ने बदल सकते हैं ऑर्डर को बेनिफिशियल बनाने के लिए, ठीक है। चलो ओके, क्या मेरी बात समझे क्या यार, यहाँ पर कैसे कॉन्ट्रास्ट, मैंने क्या समझा पहले आपको, वो बट वर्ड का इंग्लिश डिक्शनरी से मीनिंग समझा है कि बट वर्ड इज ऑलवेज यूज टू कंट्रास्ट सिचुएशन। तो अगर वहां बोल रहे बट ही इज फुली एंगेज, जैसे मैंने बोला यार कि ही इज अवेलेबल बट ही इज फुली एंगेज, ही इज फुली एंगेज का मतलब है कि इसके पास दिन में अगर 20 घंटे तो 20 घंटे काम कर रहा है, और मैं बट वर्ड के साथ बोल रहा हूं कि फुली एंगेज है, इसका मतलब है कि पहले वाला फुली एंगेज नहीं है, मतलब वो आइडल है। हाँ यार बोलो, क्लियर है। हाँ बोलो ना बोलो। हाँ हाँ तुम ही जो पूछना चाह रहे हो। हाँ ऐसा कहां बोला बट डिपार्टमेंट टू इज नॉट अवेलेबल। नहीं नहीं तुमने क्या, तुमने मन से एक लैंग्वेज जोड़ दी उसमें, बट लेबर इज नॉट अवेलेबल ऐसा कहां लिखा, उन्होंने लिखा है बट लेबर इज फुली एंगेज,
है ना। हाँ, तो अवेलेबल है मतलब। हाँ, नहीं डिपार्टमेंट टू इज नॉट अवेलेबल तो बोला ही नहीं, डिपार्टमेंट टू इज ऑल्सो अवेलेबल, पर उनको निकाल के लाना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पर वो उनकी अनअवेलेबिलिटी नहीं शो कर रहे, उनकी तो अवेलेबिलिटी है, पर वो फुली एंगेज वाली अवेलेबिलिटी, यानी उनको कहीं से निकाल कर लाना पड़ेगा। तो वो नॉट अवेलेबल तो लैंग्वेज ही गलत होगी, अगर नॉट अवेलेबल है तो ऑर्डर रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना। तो नॉट अवेलेबल तो वो ऐसा फुल स्टॉप ही हो जाएगा कि है ही नहीं अवेलेबल, अब क्या करें, राइट। दे आर अवेलेबल बट दे आर फुली एंगेज वाले अवेलेबल, तो पुराने वाले आर ऑल्सो अवेलेबल बट नॉट फुली एंगेज वाले अवेलेबल, विच मीन्स दे हैव आइडल आवर्स, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब क्या करें यार, फिर लेबर का क्या करें, फिर अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला आपकी तरफ से, कि लेबर वन इज आइडल एंड लेबर टू इज की फैक्टर, ठीक है, ओके, चलो। हाँ, ओपन करते हैं यार इस क्वेश्चन को, कैलकुलेटर पर करते हैं ना। क्या आप इसके प्रेजेंटेशन को लेकर चिंतित हो? प्रेजेंटेशन में वही चार पांच कॉलम्स बनेंगे, सबसे पहला आ जाएगा पार्टिकुलर जिसमें आप लाइन से वो चीजें शो कर दोगे, दूसरा आ जाएगा रेलिवेंसी एंड रीजन, तीसरा आ जाएगा जैसे यहाँ कंपटीशन की मुझे जरूरत लग रही है तो कंपटीशन का कॉलम बना लेंगे, और फिर अमाउंट का कॉलम, है ना। अपन प्रेजेंटेशन जैसा डिस्कस करते जाते हैं और कर लें इसको कैलकुलेटर पर, है ना, चलो, ओके। सो तो मटेरियल ए के लिए आपने क्या किया, 100 kg इंटू 7, है ना, 700 गए मेमोरी में प्लस, ओके। अच्छा, इसका रेलिवेंसी एंड रीजन में क्या लिखोगे, रेलिवेंट कॉस्ट इज करेंट रिप्लेसमेंट प्राइस सिंस मटेरियल इज इन रेगुलर यूज, ठीक है, ऐसा लिखना, सिंस मटेरियल इज इन रेगुलर यूज, है ना, बताना कि क्या रेलिवेंट है और क्यों है, ओके। दूसरा वाला क्या है, मटेरियल बी, उसके लिए पता है अपन क्या करेंगे, 140 केजी के लिए 1 रुपी ले लेंगे और 160 के लिए 3। अब इसका देखना आप लिखोगे कैसे, आप इसको ऐसे लिखना, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर 140 केजीज इज करेंट रियलाइजेबल वैल्यू सिंस मटेरियल इज नॉट इन रेगुलर यूज, फुल स्टॉप। फॉर एडिशनल 160 केजीज रेलिवेंट कॉस्ट इज करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिंस मटेरियल नीड्स टू बी परचेज, सिंस मटेरियल नीड्स टू बी परचेज, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना, ओके। या फिर आप उसमें ऐसा लिख सकते हो, बींग अमाउंट टू बी स्पेंट, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, बींग अमाउंट टू बी स्पेंट फॉर 160 केजीज रेलिवेंट कॉस्ट इज ₹3, बींग अमाउंट टू बी स्पेंट, दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, राइट। ये इंटरचेंजेबल लैंग्वेज है, ऐसा कोई इनका हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको यही वाला वर्ड लिखना, ठीक है, ओके। फिर लेबर आपने डिपार्टमेंट वन तो छोड़ दिया, बींग आइडल इन नेचर, बस ऐसा ही लिखना, इररिलेवेंट कॉस्ट बींग आइडल इन नेचर, आपको उनको ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सिंस यू हैव रिटन द वर्ड बट वर्ड एंड इट शोज द कॉन्ट्रास्ट एंड द डिपार्टमेंट टू इज फुली एंगेज, देयरफॉर इट इज नॉट सो फुली एंगेज एंड हेंस वी हैव टेकन इट एज आइडल, ऐसा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, अगर आपने आइडल वर्ड मेंशन कर दिया समझ जाएंगे आप समझ गए, ठीक है, ओके। कॉस्टिंग के पेपर में आपके पास इतना समय ही नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है ना। अब इसके बाद आप आ जाइए डिपार्टमेंट टू, हाँ, और इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें हम पता है क्या बोलेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सिंस लेबर इज की फैक्टर। तो आपने ₹12 प्लस ₹20 दोनों को जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 8 से ना, और उसको आपने मेमोरी में प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज और जोड़ दो, क्या जोड़ लो, वेरिएबल ओवरहेड्स है ना, उसको सिंपल लिख देना रेलेवेंट कॉस्ट। अब इसके काफी सारे बहाने हो सकते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट बींग एडिशनल इन नेचर, बींग इंक्रीमेंटल इन नेचर, बींग अमाउंट टू बी स्पेंट, बींग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, राइट, ओके। 150 हमने और जोड़ दिया, अच्छा इसके अलावा और कुछ रेलिवेंट बच रहा है क्या, कितना आ रहा है, 1726, राइट, 1726 सारी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, ऐसा टोटल लगा देना टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, बस उसके नीचे लिख देना टोटल रेलिवेंट रेवेन्यू, कितना लिख दोगे, 1800, तो आप नेट बेनिफिट कितना बता दोगे, ₹74, और फिर आप अपना डिसीजन क्या दे दोगे, सिंस इट रिजल्ट्स इन नेट बेनिफिट ऑफ ₹74, देयरफॉर कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, इज दैट क्लियर, ओके। चलिए अब हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। खूब क्वेश्चन है, क्रैश बैच में, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है महिला गृह उद्योग, ओके। मुझे लगता है ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ने किया हुआ होता है, अनजान बन गए आप सब। हाँ, महिला गृह उद्योग इंडस्ट्रीज इज कंसीडरिंग टू सप्लाई इट्स प्रोडक्ट्स अ स्पेशल रेंज। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर पर करेंगे, अपन इसका प्रेजेंटेशन डिस्कस करते जा रहे हैं,
क्योंकि मैं अगर कोई सा भी एक क्वेश्चन करवाने गया ना लो लेवल का, तो एक क्वेश्चन लिखकर करवाना वो टेक 15 से 20 मिनट, और कैलकुलेटर पर करवाना यानी कि वो फटाफट हो जाएगा 5 मिनट में, है ना। तो अपन जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन है ना वो लिखकर करेंगे, इन क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, उनमें से अपन को एक क्वेश्चन ही उठाकर लिखकर कर लेंगे तो सबके प्रेजेंटेशन कवर हो जाएंगे, ठीक है। महिला गृह उद्योग इंडस्ट्रीज इज कंसिडरिंग, इनकेस फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर लिखवा कर करवा दो, तो मैं लिखवा कर करवा दूंगा ना, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है महिला गृह उद्योग और ज्यादा पढ़ाना तो खास करके महिला गृह उद्योग इंडस्ट्रीज इज, ऐसा फीडबैक होगा आपके पास, महिला गृह उद्योग इंडस्ट्रीज इज कंसिडरिंग टू सप्लाई इट्स प्रोडक्ट्स एज स्पेशल रेंज ऑफ नमकीन्स टू अवर डिपार्टमेंट स्टोर। दोस्तों ये महिला गृह उद्योग है, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि यार चलो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को अपन जाकर नमकीन्स की कोई स्पेशल रेंज सप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कितने हफ्ते चलेगा एंड द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो, है ना। तीन प्रकार का मटेरियल ये लोग यूज करेंगे ऑर्डर में, एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। एक्स तो स्टॉक में रखा हुआ है यार, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1,50,000, लेकिन वाई ऑन ऑर्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि वाई का हम ऑर्डर देंगे या ऑर्डर दे चुके, ऑर्डर दे चुके, इज दैट क्लियर। ऑन ऑर्डर विच मीन्स दिस मटेरियल इज ऑन ऑर्डर, मतलब ये इस मटेरियल का हम ऑर्डर दे चुके, मतलब ये उस कैटेगरी में आ जाएगा कमिटेड, है ना, ये कमिटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। खैर वो आपने पहले ही खरीद चुका हो या आपने कमिटमेंट कर चुका हो, ये सब इररिलेवेंट होते हैं, राइट, है ना, ओके। जेड कैसा है, टू बी ऑर्डर्ड, हाँ ये जरूर अपने हाथ की बात है कि यार अपन इसको बचा सकते हैं अगर, राइट, ओके। 3 लाख, है ना। लेबर दोस्तों हमारे यहाँ पर तीन प्रकार का काम करता है, एक स्किल्ड है और एक नॉन स्किल्ड है और एक सुपरवाइजरी, राइट, ओके। जनरल ओवरहेड्स कितने, 10,80,000। अच्छा जनरल ओवरहेड्स के बारे में नीचे जाकर आपको कुछ बोले ही नहीं, तो फिर ये जनरल ओवरहेड्स जो है वो रेलिवेंट होंगे या इररिलेवेंट होंगे, इररिलेवेंट, क्योंकि इनके नाम के आगे क्या लिखा है, जनरल, विच मीन्स दिस आर नॉट स्पेसिफिक, एंड इफ दिस आर नॉट स्पेसिफिक ये हमारी वजह से हो ही नहीं रहे, दिस आर जनरल, इज दैट क्लियर। ऐसा मानते अगर कुछ नहीं दिया तो, खैर अपन देखेंगे आगे कुछ तो लिखेंगे, चुप थोड़े न रहेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, 2650, और प्राइस डिपार्टमेंट स्टोर वाले, ओहो देखो सिर्फ कितना दे रहे बेचारों को, 18 लाख नेट लॉस हो रहा है, कितने का, 8,50,000। लेकिन ये आप और मैं जान रहे हैं कि अभी इसमें बहुत सारी इररिलेवेंट आइटम्स आ गई होंगी, राइट, ओके। शुड दी कॉन्ट्रैक्ट बी एक्सेप्टेड इफ दी फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड, ओके। मेटेरियल एक्स इज एन ऑब्सोलेट मटेरियल, इट कैन ओनली बी यूज ऑन अनदर प्रोडक्ट, द मेटेरियल फॉर विच इज अवेलेबल एट रुपीज 1,35,000। मेटेरियल एक्स रिक्वायर्स सम एडेप्टेशन टू बी यूज एंड कॉस्ट रुपीज 27,000। चलो एक एक करके करते ही जाए, है ना, निपटाते जाए यार मुद्दे, ओके। ये है दोस्तों मेटेरियल एक्स, ये हमारे पास रखा हुआ है क्या, रखा हुआ है। ये रेगुलर यूज में या नॉट इन रेगुलर यूज में, नॉट इन रेगुलर, नॉट इन रेगुलर यूज में भी देखना पता है क्या हो रहा है, क्या इसको बेचने का कोई ऑप्शन है या इसको कहीं और यूज कर सकते हैं, कहीं और यूज कर सकते हैं ना। इनका कहना है कि जहां यूज करोगे वहां हम अगर इसको नहीं यूज करते तो दूसरा मटेरियल लाते, वो कितने का आता, 1,35,000 का। तो एक तरीके से कंपनी का मालिक सोचेगा ना, चलो इस मटेरियल को वहां यूज कर लो, अपने 1,35 जो अदरवाइज लगते वो बच जाएंगे। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो अगर आपको 1,35,000 का यूज बनाना है तो उसके लिए रास्ते में कितना खर्चा करना पड़ेगा, 27,000 की कन्वर्जन कॉस्ट, यानी देखा जाए तो 27,000 का जेब से खर्चा करके 1,35,000 हम बचाएंगे, यानी नेट बचत कितनी होगी, 1,08,000, है ना। तो हम स्पेशल कस्टमर से क्या बोलेंगे, यार स्पेशल कस्टमर तुम हमारी जेब में कितना रख दो, 1,08,000 तुम्हारे लिए यूज कर लेते, इज दैट क्लियर। यहाँ पर रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1,08,000, है ना। इसका अपन रेलिवेंसी एंड रीजन भी हाथों हाथ ही डिस्कस कर ले क्या, मैं बोल दू इसका रेलिवेंसी एंड रीजन, है ना, आप सुनना, राइट, ओके। रेलिवेंट कॉस्ट इज नेट वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूज, रेलिवेंट कॉस्ट इज नेट वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूज, नेट वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूज, ऑल्टरनेटिव यूज में जो हमें नेट वैल्यू मिल रही है, तो ऑल्टरनेटिव यूज में हमें नेट वैल्यू कितनी मिल रही है, 1,35,000 माइनस 27,000, इज दैट क्लियर। ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पर रेलिवेंसी एंड रीजन, और बस अमाउंट शो कर देना, कंपटीशन में लिख देना, 1,35,000 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 1,08,000, ठीक है, इज नेट वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूज। फिर इसके बाद है मटेरियल वाई इज ऑर्डर्ड फॉर सम
other product which is no longer required. It now has residual value of 2,10,000. तो दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है इसके लिए relevant cost कितनी आएगी, 2,10,000. तो इसको हम क्या बोलेंगे, material Y के लिए क्या बोलेंगे, relevant cost is residual value, यानी वही realizable value, right? Since material is not in regular use because it is no longer required, right? तो इसके लिए answer कितना आ जाएगा, 1,00,000, नहीं कितना आ जाएगा answer, 2,10,000, ठीक है, okay. और यार इन्होंने मटेरियल सेट का तो कुछ लिखा ही नहीं नोट्स में, हाँ तो वो जो टू बी ऑर्डर्ड है हम क्या मान लेंगे, ये वही अमाउंट है जो खरीदते वक्त लगेगा, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या बोल देंगे, रेलेवेंट कॉस्ट कितने रुपए आ जाएगी, 3,00,000, है ना. और अब इसको अपन लिख देंगे बींग अमाउंट टू बी स्पेंट, राइट, बींग अमाउंट टू बी स्पेंट या आउटफ्लो टू बी इनकर्ड, ठीक है, ओके. हाँ फिर इसके अलावा और बताओ यार और क्या, लेबर है ना, चलो नीचे पढ़ते हैं ना अपन पॉइंट क्या लिखा है, स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये लोग, अरे और ये लोग आगे जाकर उसको की फैक्टर बना देंगे, बिकॉज दिस गाइज कैन वर्क ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट विच आर प्रेजेंटली ऑपरेटेड बाय सेमी स्किल्ड लेबर एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज. अरे नहीं 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 नहीं, ये उसको, मुझे नहीं लगता कि उसको ये की फैक्टर बना रहे, देखना देखना, अरे और ये तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको, थर्ड पॉइंट को चलो ध्यान से पढ़ते. स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा यानी स्किल्ड लेबर को कोई हमारे इस ऑर्डर की गरज नहीं है, वो अगर अपन ही ऑर्डर ले लेंगे तो अपने लिए काम करेंगे, और अगर अपन ही ऑर्डर नहीं लेंगे तो फिर वो दूसरी जगह पर काम कर लेंगे, वहां जहां अभी कौन काम कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड लेबर, राइट. और सेमी स्किल्ड को तो ज्यादा दे रहे हैं ना, कितने दे रहे हैं, 5,70,000 दे रहे हैं. ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है क्या, या आपको क्लियर है कि क्या होगा, है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है. अगर कोई कभी भी थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आ जाए तो रफ में लिख लेना, इफ नो ऑर्डर इफ ऑर्डर, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अपन करते हैं ना, मान लो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिख लूंगा इफ नो ऑर्डर इफ ऑर्डर. चलो दो मिनट के लिए मान लो कि चलो ऑर्डर नहीं मिला, हाँ अब क्या करोगे बोलो, है ना. तो वेरी गुड, तो फिर स्किल्ड ही काम करेंगे और सेमी स्किल्ड काम नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर, है ना. तो फिर जब स्किल्ड ही काम करेंगे और सेमी स्किल्ड काम नहीं करेंगे, तो सेमी स्किल्ड को तो अपन कितने दे रहे थे, 5,70,000, क्या वो देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, बस स्किल्ड को फिर कितने देने पड़ेंगे, 5,40,000 इफ नो ऑर्डर, ठीक है, ओके. वर्सेस अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर सेमी भी काम करेंगे और स्किल्ड भी काम करेंगे, सेमी वहां काम करेंगे और स्किल्ड यहां काम करेंगे. तो एक तरीके से जो स्किल्ड लेबर का अमाउंट है ना, 5,40,000, ये तो कॉमन है, ये तो ऑर्डर नहीं आएगा तो भी स्किल्ड वहां काम कर लेंगे, आ जाएगा तो स्किल्ड यहां काम कर लेंगे. जो फर्क पड़ रहा होता है किसमें पड़ रहा है, सेमी स्किल्ड के पेमेंट में फर्क पड़ रहा है. यार अगर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो उनको देने पड़ेंगे फिर, और नहीं एक्सेप्ट करा तो उनको रवाना कर लेंगे और उनकी जगह कौन काम कर लेंगे, स्किल्ड. तो रेलेवेंट अमाउंट यहां पर कितना आएगा, 540 या 570, 570, है ना, बोलो यार क्या डाउट है, नहीं क्या हो सकता है जो मैंने बोला वो गलत हो, देखना इसका ये जो तुमने डाउट पूछा है, इट इज अ कॉमन डाउट, हर बैच में आता है डाउट. ये है कि सर हम इसको ऐसा भी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेमी स्किल्ड की जगह काम कौन कर लेगा, स्किल्ड, लेकिन पेमेंट वही लेगा जो सेमी स्किल्ड ले रहा है 570. हाँ यार, हाँ ऐसा भी तो कर सकते हैं. नहीं पेमेंट बढ़ाकर क्यों लेगा, उसका कोई मतलब ऐसे कारण बताओ मुझे, मतलब वो या तो हमें स्किल्ड लेबर थोड़े और ज्यादा लगेंगे इसलिए पेमेंट बढ़ रहा है, या स्किल्ड लेबर को आर्स ज्यादा लगेंगे इसलिए पेमेंट बढ़ रहा है, क्या सिंपल स्किल्ड लेबर बोलेगा कि सेमी को आप इतना दे रहे थे तो मुझे भी इतना चाहिए, मतलब किस कारण से आप 540 की जगह उसका 570 का पेमेंट मान रहे हो, मतलब कोई कारण बताओ कि क्या स्किल्ड वर्कर ज्यादा लगेंगे इसलिए पेमेंट 570 हो रहा है, या स्किल्ड लेबर को समय ज्यादा लगेगा इसलिए फिर ज्यादा समय के लिए 570 देंगे, या नहीं बस सिंपल इसलिए क्योंकि उनको ज्यादा दे रहे थे तो मुझे भी ज्यादा चाहिए. नहीं नहीं आप ऐसे वो स्किल के लेवल से कंपेयर मत करो, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड है ना, उसके लेवल से कंपेयर मत करो,
वैसे भी एक और बात बता दूं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड से रियल लाइफ में मैं कोई ऐसे, वो तो खैर क्वेश्चन में हमेशा स्किल्ड की रेट ज्यादा देते और सेमी की कम देते और बेचारे अन की कम देते, पर ऐसा नहीं, कई बार अनस्किल्ड भी खूब कमाता। हाँ ऐसा रहता है कि पैसा सिर्फ स्किल से नहीं आता, पैसा एक्सपीरियंस से आता है। हो सकता है एक अनस्किल्ड वर्कर हो लेकिन वो एक्सपीरियंस हो, और हो सकता है एक स्किल्ड हो और वो इनएक्सपीरियंस हो, है ना? तो वो ऐसे मतलब फ्लैट टैली नहीं कर सकते। वो तो क्या, क्वेश्चन को देख देख कर अपनी वैसी मानसिकता बन गई। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कई बार पढ़े लिखे कम और कम पढ़े लिखे ज्यादा कमा लेते हैं, तो वो तो क्वेश्चन में ऐसा अरेंज रहता है ना, इसलिए बाकी ऐसा कोई वो नहीं, रूल नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचो, अच्छा अगर यही कम होता तो आप कम देते फिर इसको, यानी जैसे 570 की जगह मान लो सेमी स्किल का 470 लिखा था, तो फिर आप स्किल को बोलते कि नहीं यार तुमको तो हम 470 देंगे क्योंकि वो तो 470 में काम कर रहा था। क्या ऐसा करते नहीं ना? तो फिर ऐसा भी नहीं करेंगे कि उनको ज्यादा दे रहे हैं तो आपके ज्यादा कर देंगे। एग्जैक्टली, वो आप सिर्फ बायस जो रहे वर्ड पढ़ के कि यार वो स्किल्ड है तो उसके साथ अत्याचार कैसे हो जाए, ठीक है ना? पर आप वैसा नहीं सोचोगे, बायस नहीं सोचोगे, है ना? तो उसके बाद रेट तो वही रहेगा, 5 लाख कितना 70,000 ही रहेगा स्किल का, है ना? अब मैं आपको कारण बता देता हूं कि सेमी स्किल्ड के 570 क्यों है और स्किल्ड के 540 क्यों, उसका कारण समझ लो आप, है ना? देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन तीन लोग हैं, अपन तीन लोग पढ़े लिखे हैं ना, अपन तीन लोग कोई काम करेंगे, अपन 540 ले रहे हैं, है ना? 8-10 सेमी स्किल्ड आ गए, क्या अपन तीन स्किल्ड को तीन सेमी रिप्लेस कर सकते हैं? ज्यादा सेमी लगेंगे, ज्यादा सेमी लगेंगे, तो हो सकता है कि उन ज्यादा का पेमेंट हमसे ज्यादा हो तीनों से, लेकिन इफेक्टिवली हम ही ज्यादा कमा रहे क्योंकि हम तीन है और वो 30 है ना? तो आप ऐसे अमाउंट टू अमाउंट टैली मत करो, क्योंकि आप अंदर सोच रहे हो कि नंबर ऑफ वर्कर सेम है, पर नंबर ऑफ वर्कर अलग हो सकते हैं ना, वहां सेमी 100 लगे और यहाँ पर स्किल सिर्फ 80 हो, ठीक है? ऐसे अमाउंट टू अमाउंट आप चेंज नहीं करोगे, है ना? ठीक, ओके। हाँ तो फिर कंक्लूजन क्या निकला यार, मैं तो ये चाहता हूं आपसे, 5,70,000, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेलिवेंट कॉस्ट इज ₹5,70,000 बींग अमाउंट टू बी स्पेंट इफ ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये वो खर्चा है जो करना पड़ेगा अगर ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो, अगर ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट किया तो हम 570 वालों को रवाना कर देंगे, खर्चा ही नहीं होगा, ठीक है? ओके हाँ यार, फिर इसके बाद नॉन स्किल्ड लेबर आर स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, बोलो यार क्या रेलिवेंट, क्योंकि इन वर्कर को हमें स्पेसिफिकली एम्प्लॉय करना होगा, राइट? ओके, सुपरवाइजरी 1 लाख का नीचे इन्होंने कुछ जिक्र किया है क्या? यस, सुपरवाइजर स्टाफ विल रिमेन वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड। तो दोस्तों सुपरमैन हमारी कंपनी में ही रहेगा, चाहे आप काम एक्सेप्ट करो या फिर मत करो, मतलब सुपरमैन का अमाउंट यहाँ पर इररिलेवेंट है, ठीक है? अब देखो यार आगे बढ़ते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही वही लिए जिसमें कंफ्यूजन हो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो वन शॉट में होने वाले थे वो मैंने हटा ही दिए। ओनली टू ऑफ देम कैन रिप्लेस अदर पोजिशन वेयर दी सैलरी इज ₹35,000। अरे यार फुल स्टॉप लग के स्टॉप नहीं हो सकता था क्या? ओनली टू ऑफ देम कैन रिप्लेस अदर पोजिशन वेयर दी सैलरी इज ₹35,000। क्या अब आप ऐसा मानते हैं कि ये जनरल नॉलेज वाला हो गया, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ ना, क्या आपको क्लियर कट पता है कि क्या होगा? जैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए ना, आप पता है क्या करना, इफ नो ऑर्डर, इफ ऑर्डर रफ में लिखकर देख लेना, क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक एक में करके देखना, हर एक एक में करोगे तो क्वेश्चन एक करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आधे तो सीधे ही हो जाते हैं, और जहां नहीं लगे वहां इफ नो ऑर्डर, इफ ऑर्डर, चलो हाँ 2 मिनट के लिए मान लो कि ऑर्डर नहीं आया, और मैं यहां पर एक और सिचुएशन बना देता हूं कि चलो अगर ऑर्डर आ गया तो सुपरवाइजर रहेंगे या नहीं रहेंगे? सुपरवाइजर तो दोस्तों हर हाल में रहेंगे, अगर ऑर्डर नहीं है तो भी सुपरवाइजर है, और अगर ऑर्डर है तो भी सुपरवाइजर है, यानी एक तरीके से सुपरमैन को तो हमको कितने देने ही पड़ेंगे, कितने दे रहे हैं उसके पेमेंट 1 लाख, यानी अगर ऑर्डर है तो भी 1 लाख देने, और ऑर्डर नहीं है ना तो भी 1 लाख देने, यानी ऑर्डर है तो भी 1 लाख देने और ऑर्डर नहीं है तो भी 1 लाख देने, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टे इन दी कंपनी, है ना? अब पढ़ते हैं यार, चलो, सुपरवाइजर स्टाफ विल रिमेन वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, ओनली टू ऑफ देम कैन रिप्लेस, एक बात बताओ ये कब रिप्लेस कर पाएंगे, जब ऑर्डर एक्सेप्ट कर लोगे तब या नहीं करोगे तब? नहीं करोगे तब, अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करोगे
तो ये सुपरवाइजर पता है क्या क्या करेंगे, ये किसी और बेचारे गरीब इंसान को रिप्लेस कर देंगे जिसको हम कितनी सैलरी देते थे, 35,000। समझ गए होंगे आप, यानी कि ये जो 35,000 वाले बंदे हैं ये एक केस में रहेंगे और एक केस में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक केस में तो बेचारे रिप्लेस ही हो जाएंगे। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि किस केस में रहेंगे, इफ नो ऑर्डर तो वो 35,000 वाले रहेंगे या तब तो रिप्लेस हो जाएंगे, तब तो रिप्लेस हो जाएंगे, यानी अगर इफ ऑर्डर तो फिर ये 35,000 वाले वर्कर्स रहेंगे, फिर रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा इनका, है ना, फिर तो सुपरमैन ऑर्डर के लिए काम करेगा और ये कहीं और काम करेंगे। पर अगर ऑर्डर नहीं मिला तो ये लोग उनको रिप्लेस कर देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे मतलब उनके 35,000 हमें बच जाएंगे, यानी ऑर्डर की वजह से कितने ज्यादा लग रहे हैं, 35,000 ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन आता है, सर वो टू ऑफ देम तो एक के एक के 35 है तो फिर दो के तो सर 70 होते हैं। ठीक दोस्तों, ये टू संख्या किसकी है, इसकी छोटू की संख्या टू है या सुपरवाइजर की संख्या टू है, सुपरवाइजर की संख्या टू है ना, और 35,000 सैलरी किसकी, सुपरवाइजर, हर एक एक सुपरवाइजर की सैलरी 35,000 है या वहां जो काम कर रहे हैं लोग उनकी सैलरी 35,000 है ना, इनकी है ना। चलो फिर से पढ़ लेते दोस्तों, क्वेश्चन ही सर बोली जिसमें आपको मुझे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े। सुपरवाइजरी स्टाफ ए विल रिमेन वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, ओनली टू ऑफ देम यानी दो सुपरवाइजर विल रिप्लेस अदर पोजीशन या पोजीशंस। अब कभी भी ऐसा मत, वन ऑन वन रिप्लेसमेंट मत मान लेना कि दो सुपरवाइजर दो दूसरी पोजीशन को रिप्लेस करेंगे, मतलब ऐसा मत मान लेना कि एक सुपरवाइजर एक पोजीशन तो दो सुपरवाइजर दो पोजीशन, इसका सिर्फ इतना सा इंटरप्रिटेशन होता है कि दो लोग जाएंगे और दूसरी पोजीशंस को रिप्लेस कर देंगे। अब ये हो सकता है पांच पोजीशन हो, ये हो सकता है आठ पोजीशन हो, राइट। ओके, फिर से, ओनली टू ऑफ देम कैन रिप्लेस अदर पोजीशंस वेयर द सैलरी इज रुपीज 35,000। तो यहां पर 35,000 की जो सैलरी वो अदर पोजीशंस की सैलरी, हम यहां पर इसे पर पोजीशन नहीं मानेंगे, राइट, क्योंकि यहां पर सीधे कनेक्शन नहीं होता है कि टू विल रिप्लेस टू, हो सकता है टू में रिप्लेस थ्री, राइट। ओके, तो द सैलरी इज नॉट पर पोजीशन सैलरी, राइट। ओके, तो हम कितना लेंगे फिर, रेलेवेंट कॉस्ट कितना बताया हमने, 35,000। इस 35,000 का बहुत सिंपल सा रीजन लिखना है, आप यहां पर पता है दो चीजें लिखना, जब आप सुपरवाइजर का पॉइंट लिखो ना तो दो चीजें लिखना, एक तो आप लिखना कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर इज यार क्या कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर ऑफ रुपीज 1 लाख इज इररिलेवेंट, हाउएवर रुपीज 35,000 पेड इन अदर पोजीशंस इज रेलेवेंट बीइंग अमाउंट टू बी स्पेंट इफ ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, या फिर ड्यू टू डिसीजन इन हैंड लिख दो, राइट। रुपीज 35,000 इज अमाउंट टू बी स्पेंट ड्यू टू डिसीजन इन हैंड, डिसीजन है तो अगर हमने लिया तो 35,000 का खर्चा करना पड़ेगा, तो 35,000 आ जाएगा रेलेवेंट। ठीक है, ओके, ऑल्टरनेटिवली आप इस 35,000 के आ गया वर्ड रीजन में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, रुपीज 35,000 इज रेलेवेंट बेस बीइंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस या फिर बीइंग एडिशनल इन नेचर। ठीक है, हाँ, तो कितना ले लिया, 35,000। अच्छा, नीचे देखो इन्होंने क्या बोला है, ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट कितना परसेंट, 200% ऑफ स्किल्ड लेबर, अरे वहां यही ढेर हो गए, देखो जरा स्किल्ड लेबर का अमाउंट कितना, 5,40,000 और उसका कितना परसेंट, 200% हो रहा है क्या टेली जनरल ओवरहेड, मतलब अब तो हमारा जो शक है वो यकीन में बदल गया है कि दिस ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, क्योंकि आप तो 200% ऑफ स्किल्ड लेबर से कनेक्शन बता रहे हो, तो ऐसे कनेक्शन हमेशा एब्जॉर्प्शन रेट के ही होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स इस रिलेशन से इनकर नहीं होते, एक्चुअल ओवरहेड्स तो बस इनकर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ओनली ओनली रुपीज 1,25,000 वुड बी अवॉइडेबल इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो कितने बच जाएंगे, 1,25,000 बच जाएंगे। वॉट डज इट इम्प्लाइज, कि एक्सेप्ट कर लिया तो लग जाएंगे, मतलब हम इसको रेलेवेंट मान लेंगे, यानी जब आप जनरल ओवरहेड्स लिखोगे ना, इधर लिखोगे पर्टिकुलर्स में जनरल ओवरहेड्स, तो आप लिखना कि मियर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 200% इज इररिलेवेंट,
However, rupees 1,25,000 being avoidable in nature are relevant. और उधर लिख देना 1,25,000, ठीक है? फटाफट दोस्तों कैलकुलेटर को कष्ट दो और जरा बताओ 16,48,000 आ रही टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, 16,48,000 आ रही है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, देखो जरा। ओके, बस इतना करके छोड़ देंगे यार, क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, तो हम आप 16,48,000 को कंपेयर करेंगे। बताओ यार किससे? 18 लाख से, यानी 1,52,000 का नेट बेनिफिट आ रहा है पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे? कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर सिंस इट रिजल्ट्स इन नेट बेनिफिट ऑफ रुपीज 1,52,000। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके चलो, हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए हम। नॉवेल एक्सेसरीज आ गए क्या आप इस पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर? चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, नॉवेल एक्सेसरीज हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग अ जॉय फिगर एट। ओके, नॉवेल एक्सेसरीज, आओ यार इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैलकुलेटर पर करेंगे। नॉवेल एक्सेसरीज हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग अ जॉय फिगर एट टू बी फिटेड ऑन कार बोनट्स, यानी ये लोग कुछ ऐसा सिंबलिक कुछ बनाते हैं जिसको कि कार के बोनट पर लगाया जाता है। वन ऑफ द फिगरेट रिजेंबल्स अ टाइनी मॉडल ऑफ अशोकन पिलर विद द लायन कैपिटल। अच्छा अच्छा, ये लोग ऐसा कोई सा भी जॉय फिगरेट बनाते हैं जो कि अशोकन पिलर विद लायन, वो तीन तरफ चार तरफ लायन रहते हैं ना, एक मैंने सुना दिखता नहीं भी, वैसा ये कुछ जॉय फिगरेट बनाते हैं जो कि कार के बोनेट पर लगाया जाता है। एस डी कार, देखना मजेदार बात है, एस डी कार फिटेड विद दिस हैव बीन मिस्टेकन बाय द पब्लिक एज बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट डिग्नेटरीज। ओ मतलब ऐसी कार पर, अगर कार पर आपने फिट कर दिया तो लोग तो आपको रास्ता दे देते कि यार चलो सरकारी गाड़ी आई है। ऑन अ कंप्लेंट, फिर बाद में उनको पता चलता है यार ये तो अपने वाले ही थे। ऑन अ कंप्लेंट स्टेचुटरी अथॉरिटीज हैव बैंड द यूज ऑफ दिस ऑन कार बोनेट। तो स्टेचुटरी अथॉरिटी ने कहा यार ये एक और कौन सी स्टेचुटरी अथॉरिटी वाली कारें आ गए, तो उन्होंने इस कार को, इस जॉय फिगरेट को कार पर लगाने से बैन कर दिया। द कंपनी इज नाउ लेफ्ट विद एन इन्वेंट्री ऑफ 8,000 यूनिट्स ऑफ दिस फिगरेट। तो बैंड तो इनकी बच गई, इन्होंने 8,000 जॉय फिगरेट बनाकर रखे हुए थे, अब वो ये बाहर बेच भी नहीं सकते। एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आर एज ऑल फॉलोज। खैर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें बता तो रहे, तो हम जानते और आप जानते कि अब ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये तो सब बीता हुआ कल है। मतलब जो मटेरियल लग गया ना 120 रुपए, किसी काम का नहीं। लेबर लग गए ना 80 रुपए, फिक्स यूनिट 50, किसी काम के नहीं। प्रायर टू बींग बैंड दिस सेलिंग प्राइस वॉज ₹300। हाँ ख्वाब देख के खुश हो जाओ, पर अब ये किसी काम का नहीं है। द ऑल्टरनेटिव, हाँ अब काम की बात हुई कि ये जो 8,000 यूनिट की इन्वेंटरी रखी है, अब इनको लेकर ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या और क्या है, है ना? तो अब आप समझ गए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया आपको इस क्वेश्चन में, क्या करना पड़ेगा आपको, इन तीनों ऑल्टरनेटिव को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा और आपको रिकमेंड करेगा करना पड़ेगा कि यार कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव इज दी बेस्ट, या हम वो ऑल्टरनेटिव रिकमेंड करेंगे जिससे हमें अल्टीमेटली दो पैसे ज्यादा मिले। ठीक है, पहला सेल द यूनिट्स एज अ स्क्रैप मेटल फॉर ₹6,50,000। पहला ऑल्टरनेटिव तो ये है कि आप एक काम करो, स्क्रैप मर्चेंट को बुलाओ और उसको ये दे दो यार कि भाई अब तू ले जा। कितने? 6,50,000। मतलब ऑप्शन वन तो यही सॉल्व हो गया कि ऑप्शन वन में हमारा रेलिवेंट इनफ्लो कितना है, 6,50,000, राइट? ओके, ऑप्शन टू rework them by putting a base under them which would allow them to be sold as drawing room curios at a price। अरे वाह क्या दिमाग लगाया कंपनी वालों ने, उन्होंने बोला अपन ने पूरा बना तो रखा ही है, राइट? इसके नीचे अपन एक काम करो, बेस लगा दो लकड़ी का और फिर अपन इसको एज अ ड्रॉइंग रूम क्यूरियोस बेच दो। ओके, और फिर कितने में बेचेंगे? और ऊंचे में बेचेंगे, कितने में? 320 रुपीज में बेचेंगे। बट सच वर्क वुड रिक्वायर कितने रुपीज? 200 रुपीज पर यूनिट ऑफ एडिशनल लेबर। मतलब ये रेलेवेंट है क्या अमाउंट 200 का? यस, क्योंकि जेब से लगेगा। एंड द फिक्स ओवरहेड चार्ज ऑफ ₹100। दोस्तों रेलेवेंट या इररेलेवेंट? इररेलेवेंट, बिकॉज इट इज फिक्स ओवरहेड चार्ज, तो इट इज दे आर जस्ट चार्जिंग फिक्स ओवरहेड। तो जब तक वो आप ऐसा सुन ले लो ना, दिल से आवाज नहीं आ जाने की अरे ये तो लग ही रहा है, तब तक आप इसको इररेलेवेंट ही मानना। ठीक है, यानी फिक्स ओवरहेड्स में तो नाना ही करना है कि नाना भाई तुम इररेलेवेंट हो, राइट? ओके, एंड द फिक्स ओवरहेड चार्ज ऑफ ₹100 ईच वुड बी एंटेल्ड इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। लो अब तो और ही ज्यादा क्लियर हो गया कि ये तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं बस ₹100, राइट? लगभग नहीं रहे कुछ।
नो फर्दर मटेरियल वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है नहीं बोलते तो हम कौन सा मन से जोड़ देते, ठीक है। तो अब अपन यहां पर पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस ऑल्टरनेटिव में हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है 200 लेकिन रेलेवेंट रेवेन्यू है 320 और 100 को तो इररेलेवेंट डिक्लेयर कर देने, नेट बेनिफिट पर कितना है 120 का और इसको मल्टीप्लाई किससे कर लिया आपने 8000 यानी कितना रहा 960। और तो ये ज्यादा अच्छा ना, ऑप्शन पुराने वाले से अपन यूं ही बेच रहे थे 6,50,000 में, ये अच्छा 9,60,000, ठीक है ओके। अपन आते पॉइंट नंबर सी पर, ये थोड़ा सा कठिन है, मतलब इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लग जाता है जो मेरा शुरू से कमजोर रहा है। मेल्ट देम डाउन, हो कम ने क्या दिमाग लगा, एक काम करो इन सारे ड्रॉइंग रूम क्यूरियोस को इनको अपन मेल्ट डाउन कर लो एंड यूज दी मेटल एज अ सब्स्टिट्यूट इन अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग लाइन, मतलब कुछ तो होगी इनकी कोई सेलिंग लाइन, इन अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग लाइन वेयर द मेटल करेंटली कॉस्ट 50% मोर देन द मटेरियल यूज्ड इन द फिगर। अरे वाह यार गजब, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि वो जो फिनिश प्रोडक्ट बना उसको एक काम करो उसको बॉयलर में डालो फर्नेस में डालो और उसको पूरा मेल्ट डाउन कर लो। तो हमने कहा फिर उससे क्या होगा, इन्होंने बोला उससे हमें जो मटेरियल मिलेगा उसकी वैल्यू जो अभी मटेरियल डाला हुआ है ना उससे 50% ज्यादा है। देखो ऐसे ही बोला ना इन्होंने, वेयर दी मेटल करेंटली कॉस्ट 50% मोर देन दी मेटेरियल यूज इन दी फिगर। यानी अपन पता है क्या करेंगे, अपन यहां पर मेटेरियल देखो जरा ऊपर कितने रुपीज का लिखा है 120, उसमें पहले कितना परसेंट ऐड कर देंगे 50%, कितना 180 और मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 8000, यानी ये तो खूब सारे रुपए आ गए 14,40,000 है ना। नहीं ये अमाउंट तब तक जब तक का अपन ने पढ़ा, उसके आगे हो सकता है सिचुएशन बदल जाए। This process incurs a material loss of 3/8 of the original metal. Oh, अरे अरे हाँ, तो दोस्तों वो आप जितना इनपुट करेंगे उतना पूरा आपको नहीं मिलेगा इस प्रोसेस में आपका कितना, तो अभी तभी मैं समझा हुआ 50% ज्यादा मेटेरियल का वैल्यू कैसे आ रहा है, क्योंकि ज्यादा कंडेंस हो रहा है, कितना 3/8 का तो लॉस ही हो रहा है। तो दोस्तों अगर 3/8 का लॉस हो रहा है तो या तो 3/8 निकालकर माइनस कर दो या सिंपल आप भी सीए फाइनल में आप 5/8 कर दो उसका, तो वो जो नहीं यार आपके कैलकुलेटर में 14,00,000 और कुछ उसको आप क्या कर लोगे 5/8 9,00,000 रुपीज आ रहे हैं। ओहो पीछे आ गया, हाँ सी ऑप्शन, कौन जीत रहा है दोस्तों डी ऑप्शन राइट 9,60,000 वाला है ना ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ईच ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव्स एंड अराइव एट द डिसीजन विच वुड रिजल्ट इन द हाईएस्ट बेनिफिट टू द कंपनी। खैर अगर नीचे इतना नहीं भी बोलते तो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी मार्क्स पाने के लिए क्या है, टू एनालाइज एंड टू गिव द रिकमेंडेशन। तो ए ऑप्शन में कितना आ रहा है 650, बी में आ रहा है कितना 960 और सी में कितना आ रहा है 9,00,000। इज दैट क्लियर, बातें आ रही दोस्तों आपको समझ में, ठीक है ओके। हाँ यार अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इसका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होगा और अपना फॉर्मेट भी किसी काम का नहीं इसमें। इसमें तो सिंपल क्या करना है, इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शन ऑप्शन वन, और ऑप्शन वन का तो सीधे ही लिखना कि नेट बेनिफिट 6,50,000, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं आंखों के सामने लिखा। फिर ऑप्शन टू में बता देना सेलिंग प्राइस 320 लेस रेलेवेंट लेबर कॉस्ट 200 तो नेट बेनिफिट पर यूनिट कितना 120 × 8000 इज दैट क्लियर। और फिर बाद में नीचे उनको शो कर देना, नीचे क्या शो कर देना कि वो जो 100 रुपीज का बता रहे हो ना फिक्स ओवरहेड्स दिस इज मियर एब्जॉर्प्शन रेट देयरफॉर इररेलेवेंट, ठीक है। इसके नीचे वाला जो सी पॉइंट है उसमें आपको कैलकुलेशन ही शो करना है, कैलकुलेशन क्या शो कर दोगे 120 पर यूनिट इंटू 8000 यूनिट्स इंटू 1.5 टाइम्स लेकिन मल्टीप्लाई बाय 5/8, ठीक है। आपको रीजन देने की जरूरत नहीं क्योंकि 5/8 क्योंकि अगर आपने कर दिया तो समझ जाएंगे कि आप समझदार हो राइट, और सीधे आंसर लिख देना, ठीक है ओके। और बस तीनों में से बता देना कि नेट बेनिफिट कहाँ आई है, ऑप्शन नंबर बी में आई है, क्या है क्लियर है सबको बोलो ओके। घर जाना है क्या आपको, ठीक है दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल। अच्छा आप ये साथ साथ पैरेलली करते ही जाना है ना, क्योंकि जो अभी क्लास के साथ साथ हो जाएगी तैयारी वो हो जाएगी, आप सोचो बाद में एक आध महीने बाद आराम से बैठेंगे तो सीधा अटेम्प्ट ही आ जाएगा इतने में ओके।